गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप। आई होप मैं सभी लोगों को ऑडिबल विजिबल हूँ। नाइस टू हैव यू ऑल इन द सेशन। आई कैन सी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सेशन ज्वाइन कर लिया है, बट आई वॉज अ लिटिल लेट। थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, उसे सॉल्व करने में आई हैव बिकम अ लिटिल लेट। सो नाइस टू हैव यू ऑल। बहुत दिनों से YT सेशन नहीं हुए थे बिकॉज आई वॉज अ लिटिल अनवेल। इवन आज भी बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन तो नहीं है, बट यस, एज द एग्जाम इज अप्रोचिंग सो वी नीड टू स्टडी। सो आज हम ये सेशन करेंगे। इकोलॉजी का महामैराथन है, इसमें हम मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो देखने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से एक बार ग्रुप पे मैसेज लिख दीजिए कि सेशन बिगिन हो चुका है। नाइस टू हैव यू ऑल इन द सेशन। ठीक है, थोड़ा सा वायरल हो रहा है, सो मेरे वायरल का जो मेजर सिम्टम होता है दैट इज रनिंग आईज, रनिंग नोज बहुत थोड़ा होता है, रनिंग आईज होता है। तो आज पूरे सेशन में ऐसा होने वाला है। ठीक है, सो दिस वॉज अ लिटिल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माई साइड। यहाँ पर कुछ कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मैम एग्जाम की डेट कब आएगी। तो देखो, अभी वीक शुरू हुआ है, बाय द एंड ऑफ द वीक वी आर एक्सपेक्टिंग कि एग्जाम की डेट आ जाएगी, कि लाइफ साइंस किस दिन है, केमिकल साइंस किस दिन है, मैथमेटिकल साइंस किस दिन है। बस इससे लेट नहीं होगा, ये वाले वीक में पता चल जाएगा बिकॉज आज ऑलरेडी 19th of December हो चुका है। सो इस वीकेंड तक यू विल बी गेटिंग दिस इन्फॉर्मेशन कि कब एग्जाम होने वाली है। ठीक है, सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन टू ऑल द स्टूडेंट्स। नाइस टू हैव यू ऑल इन दिस सेशन। स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी का मैराथन। ठीक है, इकोलॉजी का मैराथन शुरू करने के पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CSIR नेट लाइफ साइंसेस, तो उसके साथ ही साथ आप पांच और कौन सी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं जो कि आप लोगों के लिए करियर वाइज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसके ऊपर आज एक वर्कशॉप होने वाली है रात को 8 बजे बायजूस एग्जाम प्रेप एप्लीकेशन पे, विच इज अगेन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, सो यू कैन कम एंड ज्वाइन दिस सेशन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक स्लाइड है, इसमें लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स ऑफ यूनिट 10 के ऊपर मैंने एक स्लाइड बनाई हुई है, प्रीवियस कुछ सेशंस में बनाई थी। सो ये जो PDF है इसे मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, तो वहां से इस स्लाइड को आप प्रेफर कर लीजिएगा। ठीक है, पॉपुलेशन इकोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोलॉजी का। हर बारी पॉपुलेशन इकोलॉजी से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अगेन यहाँ पर स्लाइड है कि पॉपुलेशन इकोलॉजी इफ यू आर प्रिपेयरिंग, सो आप कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करें, इसके ऊपर अगेन यहाँ पर बैकग्राउंड में एक स्लाइड है, तो आप इसे रेफर कर लीजिएगा। आज के सेशन में जो टॉपिक्स हम मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिवाइज करने वाले हैं उसकी यहाँ पर लिस्ट है। फर्स्ट इज मिमिक्री देखेंगे, देन पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है देखेंगे, टाइप्स ऑफ स्पीशीज, रॉन्कियस लाइफ फॉर्म वी फील की बहुत ही छोटा टॉपिक है पर यहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चन आए हैं। अभी हम देखेंगे इन अ वाइल की क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे पूछे गए हैं। मार्क रिकैप्चर मेथड बहुत सिंपल मेथड बट अगेन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मेटा पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के ऊपर रिसेंटली कुछ टाइम में क्वेश्चन आए हैं, सो वी आर गोइंग टू सी दिस टॉपिक। सेल्फ प्योरिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम या वाटर इकोलॉजी पर भी क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। इकोलॉजिकल रूल ऑन एंड ऑफ एवरी ईयर ऑल्टरनेटिवली या कॉन्सिक्यूटिवली पूछा ही जाता है, सो वी विल सी दिस। कंजर्वेशन मेथड, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, लॉटका वाल्टरा मॉडल एंड स्पीशीज डाइवर्सिटी इंडेक्स, ये कुछ मेजर मेन टॉपिक्स है जिसके अराउंड आज के सेशन का डिस्कशन होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम इस सेशन में देखेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ इकोलॉजी, दैट इज टाइप ऑफ मिमिक्री। सो टाइप्स ऑफ मिमिक्री में यहाँ पर जो ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिमिक्री, ये स्पीशीज इंटरेक्शन के अंडर आता है। एंड मिमिक्री जो टॉपिक है ये कम्युनिटी इकोलॉजी से आता है। यहाँ पर अगर एक सिंगल मिमिक्री के बारे में पूछेंगे तो वो बी सेक्शन में कवर किया जाएगा, और मल्टीपल मिमिक्रीज के ऊपर मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चन या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो वो आपके सी सेक्शन में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो सो यहाँ पर कैमोफ्लेज वर्सेस मिमिक्री की स्लाइड है कि व्हेन यू टॉक अबाउट कैमोफ्लेज एंड मिमिक्री तो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जब हम कैमोफ्लेज बोलते हैं तो कैमोफ्लेज में यूजुअली बॉडी को किसी तरह एनवायरनमेंट में छुपा लेना
ताकि वो इजीली प्रेडेटर को ना दिख सके इस कैमोफ्लेज। मिमिक्री जो है, मिमिक्री ऐसा है कि किसी और स्पीशीज को मिमिक करना, किसी और स्पीशीज के जैसे अपना बॉडी कलरेशन कर लेना या किसी और स्पीशीज के जैसे अपना साउंड बना लेना, ताकि अगेन प्रेडेटर प्रे को पकड़ ना सके। सो मिमिक्री एंड कैमोफ्लेज में थोड़ा सा डिफरेंस है। कैमोफ्लेज में वो छुप जाएगा, मिमिक्री में जो ऑर्गेनिज्म है वो छुपेगा नहीं, पर वो किसी और ऑर्गेनिज्म जैसा दिखने लगेगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म को मिमिक किया जाता है जो बहुत पावरफुल या बहुत ही पॉइजनस होगा, उसे मिमिक किया जाएगा। सो कैमोफ्लेज वर्सेस मिमिक्री। पहली टाइप की मिमिक्री जो बहुत ही यूजुअली एग्जाम में रिपीटेडली पूछी जाती है, दैट इज बेथसियन मिमिक्री। सो जो एक पैलेटेबल एनिमल होता है, जो कि प्रेडेटर के लिए काफी न्यूट्रिशियस भी है, टेस्टी भी है और इजी टू कैच है, पैलेटेबल एनिमल मिमिक्स द बैड टेस्टिंग नॉक्सियस प्रे। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसे खाने पे प्रेडेटर को कोई नुकसान नहीं होगा, पर ऑब्वियसली वो अपने आप को बचाना चाहता है, तो वो एक ऐसे ऑर्गेनिज्म को मिमिक करने लगेगा जो खुद बहुत ही टॉक्सिक है या पॉइजनस है, उसे वो मिमिक करने लगेगा ताकि प्रेडेटर उसे ना खा सके। सो दिस इज बेथसियन मिमिक्री। यहाँ पर बेथसियन मिमिक्री के अंदर आपका जो एग्जाम्पल जाता है, दैट इज वाइसरॉय बटरफ्लाई एंड मोनार्क बटरफ्लाई। यहाँ पे जो मोनार्क बटरफ्लाई होता है वो बहुत ही डिस्टेस्टफुल होता है या पॉइजनस होता है, जिसे खा के प्रेडेटर का ओवरऑल हार्म ही होता है। तो वाइसरॉय बटरफ्लाई मोनार्क बटरफ्लाई के जैसे अपनी बॉडी का कलरेशन कर लेता है ताकि प्रेडेटर उसे मोनार्क बटरफ्लाई समझे और उसे ना खा सके। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है कि ईस्टर्न कोरल स्नेक जो है, वो अपनी बॉडी पर ऐसे स्ट्राइप्स रखता है जिससे कि प्रेडेटर इजीली समझ जाए कि ये बहुत बैड टेस्टिंग है। अब उसी को मिमिक करने लगता है एक दूसरा स्नेक जो कि नॉन वीनमस होता है, इसका नाम है स्कारलेट किंग स्नेक। वो होता तो नॉन वीनमस है, उसे खाने पे कोई नुकसान नहीं होगा प्रेडेटर को, पर ऑब्वियसली वो अपने को बचाने के लिए एक दूसरे स्नेक को मिमिक कर रहा है जो कि वीनमस होता है। सो दैट इज बेथसियन मिमिक्री। एग्जाम्पल यहाँ पर वाइसरॉय बटरफ्लाई एंड मोनार्क बटरफ्लाई का अगर आप याद रखोगे तो इट इज ओके। अदरवाइज बेथसियन मिमिक्री बेसिकली क्या होती है ये याद रखिएगा। इसके ऊपर आपको हाइपोथेटिकल कोई एग्जाम्पल देकर पूछा जा सकता है कि ये क्या, कौन से तरह का मिमिक्री एग्जिबिट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा मिमिक्री के ऊपर चलते हैं, दैट इज एकाउस्टिक मिमिक्री। ठीक है, अभी तक नहीं पूछा गया है बट माइट बी आस्क्ड इन द एग्जाम। यहाँ पे जो प्रेडेटर है वो जो प्रे है उसको किसी एक पर्टिकुलर साउंड से या उसके लुक से पहचानता है। अब यहाँ पर अकाउस्टिक जो वर्ड आता है ये कहाँ से आता है, ये साउंड से आता है। तो यहाँ पर जो मिमिक्री हो रही है ये कोई ऐसे साउंड को का प्रोडक्शन किया जा रहा है बाय द प्रे, जिससे कि उसे प्रेडेटर एक बहुत ही हार्मफुल ऑर्गेनिज्म समझे या हार्मफुल समझे और उसे कंज्यूम ना करे। ठीक है, प्रेडेटर्स में आइडेंटिफाई दैट प्रे देयर प्रे बाय साउंड एज वेल एज साइट। उसके साउंड और उससे साइट से उसे पहचानता है। मिमिक्री हैव अकॉर्डिंगली इवॉल्व टू डिसीव द हियरिंग ऑफ देयर प्रेडेटर्स। उसका जो प्रेडेटर है वो इतनी इजीली नहीं समझ पाएगा कि ये यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स आवाज निकाल रहा है ये एक्चुअल में पैलेटेबल है या नॉन पैलेटेबल है। इसका एग्जाम्पल है टाइगर मॉथ्स लाइक साइंसिया टेनेरा आर अपोसिमैटिक बाय साउंड इमिट एक अल्ट्रासोनिक वार्निंग सिग्नल्स। अब यहाँ पर ये जो टाइगर मॉथ है ये एक्चुअल में कुछ ऐसे साउंड निकालती है जिससे कि उसके प्रेडेटर को पता चल जाए कि आई एम नॉट गुड फॉर योर कंजम्पशन। इसी को मिमिक करने लगता है एक पायरलिट मॉथ जो कि खुद अच्छे टेस्ट में होता है, कोई उसका कोई प्रेडेटर जब उसे कंज्यूम करेगा तो प्रेडेटर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर ऑब्वियसली वो अपने आप को बचाने के लिए टाइगर मॉथ के जैसे आवाजें निकालने लग जाता है जिससे कि प्रेडेटर ये समझेगा कि जो पायरलिट मॉथ है ये अगेन कैसा है, नॉन न्यूट्रिशियस है, नॉन पैलेटेबल है, फाउल टेस्टिंग है। ठीक है, अकाउस्टिक मिमिक्री नहीं पूछा गया है, इट कुड बी आस्क्ड। तो याद रखना कि यहाँ पर ये हियरिंग या साउंड से रिलेटेड है, जब कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा साउंड निकालने लग जाए जैसे कि वो खुद भी बहुत ही डिस्टेस्टफुल है। ठीक है, अगला आता है मुलेरियन मिमिक्री। अब यहाँ पर मुलेरियन मिमिक्री में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म ने अपनी बॉडी के ऊपर कुछ ऐसा कलर बना लिया जिससे कि प्रेडेटर को ये समझ में आने लग गया कि ये ऑर्गेनिज्म तो मेरे लिए हार्मफुल है।
अब प्रेडेटर को बार 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 बहुत सारे कलर्स याद रखना या डिस्टेस्टफुल ऑर्गेनिज्म के सिग्नल को याद रखना इतना इजी नहीं है। जैसे अगर आज हमें कोई बोले कि दुनिया में हंड्रेड्स ऑफ द थिंग, मतलब कोई एक 100 फूड्स की लिस्ट दी जाए और बोला जाए कि ये पूरे 100 फूड की लिस्ट याद रख लो और इस पर्टिकुलर जगह जाओगे तो इसे मत खाना, तो हो सकता है कि आप वो 100 लोगों की लिस्ट में या वो 100 तरह के फूड की लिस्ट में से कुछ चीजें भूलने लगो। पॉसिबल है ना? अब भूल जाओगे कि यार ये खाना था या नहीं खाना था। जैसे कि होता नहीं है कि आजकल बहुत सारे वीडियोस होते हैं जो कि आपको लाइफस्टाइल चेंजेस और किस तरह का शैम्पू यूज करना है, किस तरह का फूड आइटम यूज करना है, जिसमें पीछे लिखा हुआ होगा कि ये वाला केमिकल है तो नहीं यूज करना है, वो वाला केमिकल है तो उसे आप कंज्यूम कर सकते हो। तो वैसे ही अगर प्रेडेटर जो है वो प्रेडेटर को एक अलग 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 चीजें याद रखना पड़ जाए तो प्रेडेटर कभी कंफ्यूज हो जाएगा। तो ऑर्गेनिजम्स क्या सोचते हैं कि वो भले दो अलग अलग स्पीशीज है, नॉन रिलेटेड स्पीशीज है, पर वो अपने बॉडी का कलर ऐसा करेंगे कि जिससे कि जो प्रिडेटर है, प्रिडेटर को ज्यादा चीजें याद ना रखना पड़े। प्रिडेटर को पता चल जाए कि अच्छा येलो ब्लैक स्ट्राइप्स है, मतलब ये बहुत ही डिस्टेस्टफुल या हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है, तो इसे मैं नहीं खाऊंगा। एक कॉमन सिग्नल देना बाय टू डिफरेंट स्पीशीज और थ्री डिफरेंट स्पीशीज, जिससे कि प्रेडेटर को पता चल जाए कि ये मेरे लिए काम का ऑर्गेनिज्म नहीं है। ठीक है, आ रही है बात समझ में कि यहाँ पर मुलेरियन मिमिक्री क्या होता है? सच प्रोटेक्टिव मिमिक्री इन विच टू और मोर डिस्टेस्टफुल और हार्मफुल स्पीशीज स्पेशली ऑफ इंसेक्ट्स क्लोजली रिजेंबल ईच अदर। वो एक दूसरे को क्लोजली रिजेंबल करने लगते हैं ताकि प्रिडेटर को ज्यादा चीजें याद ना रखना पड़ जाए, और अगर ज्यादा याद रखना पड़ जाएगा तो बाई चांस कोई एक शिकार बन सकता है, एंड नो वन वॉन्ट्स टू बी ईटन अप इजिली। ठीक है, सो दैट इज मुलेरियन मिमिक्री। यहाँ पर एक क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया है 2022 में, जून शिफ्ट का है, मतलब लास्ट ईयर जो सितंबर में एग्जाम हुई थी 2022 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। देखो आंसर है यहाँ पर ऑलरेडी, यहाँ पर ऑलरेडी आंसर है, बट मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ कि मिमिक्री वेयर डिसेप्टिवनेस ऑफ मिमिक सिग्नल इज हाई एंड फिटनेस कॉन्सिक्वेंस सिग्नल टू द रिसीवर बाय द मिमिक इज ऑल्सो हाई एंड नेगेटिव। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो मिमिक्री है डिसेप्टिवनेस की ऑफ द मिमिक सिग्नल जो मिमिक कर रहा है, और जो ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि डिसटेस्टफुल है उसको, और इसके बीच में डिसेप्टिवनेस जो है वो है, एंड द कॉन्सिक्वेंस सिग्नल टू द रिसीवर बाय द मिमिक इज ऑल्सो हाई। अब मिमिक जो कर रहा है उससे वो बहुत इजीली उसे पहचान पा रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? सो दैट इज कॉल्ड एज बेट्सियन मिमिक्री। ठीक है, यहाँ पर मुझे अनुपम ने बोला है बेट्सियन और मुलेरियन में क्या डिफरेंस है। देखो बेट्सियन का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो डिस्टेस्टफुल नहीं है, जो टेस्टी है पर वो अपने आप को बचा ले रहा है ऐसा कलर लगा के अपने ऊपर या इवॉल्व होकर, जिससे कि वो बच जाएगा, पर एक्चुअल में उसे खाने पे कोई नुकसान नहीं होगा प्रिडेटर को। मुलेरियन मिमिक्री में क्या होता है कि दोनों ही हार्मफुल है प्रिडेटर को, दोनों ही हार्मफुल है पर प्रिडेटर को ज्यादा चीजें याद रखना पड़ जाएगी, तो कोई एक जो ऑर्गेनिज्म है वो हो सकता है समहाउ उसे याद ना रख पाए प्रिडेटर, तो दैट इज कॉल्ड एज मुलेरियन मिमिक्री। हाँ, मेरी तबीयत काफी खराब हो रही है, पर एग्जाम को बिल्कुल भी समय नहीं बचा है तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज का सेशन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से इकोलॉजी का रिवीजन नहीं हुआ था। ठीक है, वायरल है, आता है चला जाता है, कोई इतना मेजर इश्यू है नहीं, सो इवन आई एम नॉट वरिड फॉर माई सेल्फ, सो यू ऑल्सो डोंट बी वरिड, आई विल बी सून ओके। जो उसका एक ड्यूरेशन है बॉडी के अंदर उतना वो लेगा, बॉडी थोड़ा सा फाइट भी तो करे, होना चाहिए ऐसे, वायरल होना चाहिए ना थोड़े थोड़े टाइम में, जैसे बॉडी को थोड़ा सा स्टिमुलेशन मिलता रहे कि नहीं यार फाइट भी करना है। सो मे बी इस बार मेरी बॉडी को ज्यादा फाइट करना पड़ी है, जो वायरल इन्फेक्शन है वो थोड़ा स्ट्रांग है तो इसीलिए सिम्टम्स दिख रहे हैं। सो ये नॉर्मल है ना, हम लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे छोटे मोटे वायरल से घबराते नहीं है। चलो चलो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लेते हैं। कंडीशन दी हुई है ए बी सी एंड डी, अबंडेंस दिया हुआ है, प्रेडेटर ने क्या सीखा है वो दिया हुआ है, और रिसोर्स का ओवरलैप कितना हो रहा है। जब मिमिक्री ज्यादा है, जो मिमिक है मतलब अगर मैं किसी को कॉपी कर रही हूँ
वो ज्यादा, मेरे जैसे ऑर्गेनिज्म ज्यादा है और मॉडल ऑर्गेनिज्म कम है, तो प्रेडेटर ने जो सीखा है वो ज्यादा रहेगा, रिसोर्स ओवरलैप ज्यादा रहेगा क्या? देन उसके बाद मॉडल मतलब जिसे मिमिक किया जा रहा है वो ज्यादा है, और जो मिमिक करने वाले ऑर्गेनिज्म है, जो कॉपी करने, मॉडल मतलब जो एक्चुअल में जिसने डेवलप किया है, मिमिक मतलब जो कॉपी कर रहा है वो कम है, तो प्रेडेटर ऐसे में ज्यादा सीखेगा और रिसोर्स का ओवरलैप कम होगा। देन उसके बाद तीसरे में बोला गया है कि जो मॉडल है जिसे कॉपी किया जा रहा है और जो खुद कॉपी कर रहा है वो दोनों इक्वल नंबर में है, तो प्रेडेटर ऐसे में ज्यादा नहीं सीखेगा। तीसरा, मॉडल ज्यादा भी हो सकता है या इक्वल टू भी हो सकता है मिमिक में, ऐसे में प्रेडेटर नहीं सीखेगा और रिसोर्स ओवरलैप नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो एक सीधी सी बात है कि जिससे आपको सीखना है ऑब्वियसली उसकी प्रेजेंस तो आपकी लाइफ में ज्यादा होना चाहिए ना। जैसे कि अगर कोई फैकल्टी है, एक फैकल्टी है, तो फैकल्टी का आपके साथ इंटरेक्शन ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू आपके फ्रेंड्स। अगर फैकल्टी आपके साथ ज्यादा रहेगा तो आपकी ज्यादा लर्निंग होगी। वैसे ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका डिस्टेस्टफुल होना प्रेडेटर को पता चल जाए कि मैं इसके पास जाऊंगा तो ये मेरे को नुकसान देगा, तो ऑब्वियसली हर केस में क्या होना चाहिए, जो मॉडल ऑर्गेनिज्म है जिसे प्रेडेटर जैसे देख के सीखेगा कि भैया ये मेरे लिए नुकसानदेह हो सकता है, वो तो हमेशा ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन आपको बी में मिल रही है और आपको डी में कहीं ना कहीं ग्रेटर देन मिल रही है, तो ठीक है इन दोनों को देखते हैं। बी में बोला जा रहा है कि प्रेडेटर सीखेगा अगर ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत हार्मफुल है प्रेडेटर के लिए वो अगर रहेगा ज्यादा अमाउंट में, तो प्रेडेटर ऑब्वियसली जब जाकर उसे खाएगा तो उससे सीखेगा कि इसे नहीं खाना है। तो यहाँ पर ये जो यस है ये इसे राइट बनाता है और यहाँ पर ये जो नो है ये इसे रॉन्ग बनाता है, क्योंकि अगर मॉडल ज्यादा है तो प्रेडेटर तो जैसे ही मॉडल को पहले पहले खाने लगेगा तो उसे तो पता चलेगा कि इससे तो मेरी डेथ हो रही है, उसके और जो मेंबर्स है स्पीशीज के उन्हें पता चलेगा कि इससे तो डेथ हो रही है, तो वो उसे सीखेगा। तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो सही आंसर हो जाएगा वो कंडीशन डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ कुछ कमेंट्स है। यस मैम, पहले प्लीज ख्याल रखें, कोविड वापस आ रहा है, हर्ड न्यूज। ठीक है, यहाँ पर ऋतु का, यहाँ पर मुझे दयाना ने बोला है ट्रांसलेट मुलेरियन डिफरेंस इन इंग्लिश। ओके, आई विल ट्रांसलेट द डिफरेंस बिटवीन मुलेरियन एंड बेसियन वंस इन इंग्लिश। ओके, देखो व्हेन इट इज अबाउट मुलेरियन एंड देर आर टू थिंग्स, ए इज ऑलरेडी एग्जिबिटिंग अ बॉडी पैटर्न। ओके, बॉडी पैटर्न ए इज ऑलरेडी एग्जिबिटिंग। नाउ द प्रेडेटर हैज लर्न दैट इफ देयर इज येलो एंड ब्लैक स्ट्राइप्स इट इज हार्मफुल फॉर मी, सो नाउ द बी स्पीशीज व्हेन इट इज इवॉल्विंग इट इज गोइंग टू मिमिक द ए वन, सो दैट प्रेडेटर डोंट हैव दिस बर्डन ऑन हिज माइंड दैट आई हैव टू लर्न टू मेनी डिफरेंट कलर्स। राइट, इफ आई एम गिवन अ लिस्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ फूड दैट आई डू नॉट हैव टू ईट, इफ आई गो टू थाईलैंड एंड एवरीवेयर ऑन अदर शॉप और अदर फूड जॉइंट आई एम गेटिंग दैट, आई माइट फॉरगेट दैट लिस्ट इफ आई एम नॉट कैरिंग दैट लिस्ट, रिटन लिस्ट, जस्ट टू रिमेंबर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट फूड नॉट टू कंज्यूम वुड बी अ लिटिल डिफिकल्ट, इजंट इट? Similarly, for the predator, it is difficult to remember so many different things. So, all the organisms who are non-palatable, they will start mimicking each other so that predator don't have to remember so many things, and a single strategy is going to work for all the different species. This is Mullerian mimicry, and when it is about Batesian mimicry, one organism is palatable, one organism is non-palatable. Now, the palatable one has to save itself from the predator. So the palatable one, what would it do? It is going to mimic the non-palatable or the poisonous one, right? Is if I have to just mimic that I am dominant, then I would have to behave. If I am not, actually, also if I am not dominant, then what I would do? I would mimic someone. Like there is a series on Netflix, Money Heist. If you have seen, there they have dummy guns as well as the original gun. So dummy guns is just for showing that again I can be very much harmful for you or I can shoot at you, but that is a dummy gun. So in the Batesian mimicry, one has an original gun and one has a dummy gun, and they both stand equal for the predator. I hope this works for Diana and everyone.
राइट, आई होप इट्स क्लियर. अब हम अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं, अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं, दैट इज योर पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व. पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व यहाँ पर हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस वाले ग्राफ को पढ़कर ही जाएगा, बहुत बल्कि नहीं है दिमाग में याद रखने के लिए, बहुत छोटी सी चीज है, पर हमेशा बोलती हूँ आएगा क्वेश्चन रिपीटेडली CSIR में, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं. ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर ये वाला जो रो है ये आपको बताता है अबाउट द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, किस तरह के ऑर्गेनिजम्स के लिए बता रहा हो रहा है. ये आर सिलेक्टेड स्पीशीज के लिए हो रहा है, और ये लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है ये आपके के सिलेक्टेड स्पीशीज के लिए हो रही है. ठीक है, अब यहाँ पर हम आर सिलेक्टेड स्पीशीज के लिए जो ग्रोथ कर्व है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व होता है, वो ये नहीं देखता है कि एनवायरनमेंट का क्या कैरिंग कैपेसिटी है. तो इसीलिए यहाँ पर आप जो पूरा ये वाला अपर वाला जो आप रो देखोगे, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पर आपको कोई भी के वाला फैक्टर नहीं दिख रहा है. देखो यहाँ पर आपको कहीं पर भी के नहीं दिख रहा है, बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द कैरिंग कैपेसिटी. वो तो अपना पूरा रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल लगा देते हैं, कितने भी सर्वाइव कर पाए ना कर पाए, दैट is not the thing of the organism who is reproducing. तो यहाँ पर आप पहले वाले में देख सकते हो कि x एक्सिस पर आपका टाइम है, y एक्सिस पर पॉपुलेशन साइज है, कि टाइम के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन साइज कैसे चेंज होता है. तो टाइम के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन साइज एक जे शेपेड कर्व में चेंज होता है, कि पहले तो कुछ भी नहीं होगा और सडनली जैसे ही रिप्रोडक्शन होगा, जैसे ही वो रिप्रोड्यूस करेगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी. हमारे घर में क्या होता है कि हमारे घर में अगर कॉकरोच नहीं है और सडनली एक या दो कॉकरोच आ जाए, तो सडनली बहुत सारे कॉकरोचेस एक साथ दिखने लगते हैं. यहाँ पर मुझे शुभम ने कमेंट लिखा है, बट मैम इफ रिसोर्सेज डिफरेंट देन देयर विल बी टू डिफरेंट डिशेस, सो चेंज ऑफ प्रेडेशन विल इंक्रीज, सो चांसेस ऑफ प्रेडेशन विल इंक्रीज. बट इफ रिसोर्स, सी डेफिनेटली शुभम व्हाट यू आर सेइंग दैट इज राइट, दैट इफ देयर इज डिफरेंट रिसोर्सेज फॉर कंजम्पशन देन द प्रेडेशन वुड इंक्रीज. बट व्हेन द ऑर्गेनिजम्स दे हैव टू सेव देमसेल्व्स, दे आर नॉट बॉदर्ड व्हाट द प्रेडेटर इज डूइंग. दे एवरीवन हैज हिज ओन सर्वाइवल मैकेनिज्म, सो मे बी देयर प्रेडेशन might increase, though it is not going to increase, because naturally they are going to save themselves from the predator, but somehow they can even become the prey of the predator, but overall it is not going to increase. And definitely if the niche is different, then definitely the chances of predation by the predator would increase, but that is altogether two concepts which we are trying to overlap, and that is not what we have discussed over here. Okay? चलो, अब यहाँ पर पहले वाले में आपका जे शेपेड कर्व है, दूसरे में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है और पॉपुलेशन साइज है, कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वर्सेस पॉपुलेशन साइज दोनों एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होंगे. जितना पॉपुलेशन साइज में इंक्रीज होगा उतना ही पॉपुलेशन ग्रोथ में इंक्रीज होगा. देन पर कैपिटा ग्रोथ रेट पॉपुलेशन साइज, क्या पर कैपिटा ग्रोथ रेट पॉपुलेशन साइज पे डिपेंड करेगा? क्या कोई एक कॉकरोच ये सोचेगा कि यहाँ पर तो हंड्रेड्स ऑफ कॉकरोच है तो मुझे नहीं रिप्रोड्यूस करना चाहिए? नहीं, उसका जो तो जितना रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है वो उतना ही वहां पर एग्जिबिट करेगा. तो इसीलिए ये यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है जब आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखते हो आर सिलेक्टेड स्पीशीज में, कि वो जितना अपना रिप्रोडक्शन कर रहा है, अगर वो एक टाइम में हंड्रेड ऑफ एग्स बना रहा है तो वो उतना ही बनाएगा, वो कोई अपने पॉपुलेशन साइज से डिफ्लेक्ट नहीं होगा भले कितने भी ऑर्गेनिज्म हो. ठीक है, आई होप ये क्लियर है यहाँ पर. देन यहाँ पर हम लॉजिस्टिक ग्रोथ देखते हैं, जो हम के सिलेक्टेड स्पीशीज के लिए देखते हैं, कि यहाँ पर वो एक वक्त तक, जब तक कैरिंग कैपेसिटी उस एनवायरमेंट में रिसोर्सेज है, तो वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, पर फिर उसके बाद एक स्टैग्नेंसी आ जाएगी, कि जितना कैरिंग कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग ही उसका पॉपुलेशन साइज बढ़ पाएगा और नहीं बढ़ेगा. पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और पॉपुलेशन साइज, सो पॉपुलेशन ग्रोथ जब हाफ ऑफ द मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी जो है वो पहुंच जाता है, तो उसका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाईएस्ट होता है. ये वाला जो पॉइंट यहाँ पर होता है ये क्या होता है, जो पूरा कैरिंग कैपेसिटी है उसका जब हाफ ऑफ द कैरिंग कैपेसिटी पहुंच जाता है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाईएस्ट होता है,
और उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिक्लाइन होने लगता है जैसे ही कैरिंग कैपेसिटी आधे से कम होने लगती है। ठीक है, पॉपुलेशन साइज भले बढ़ता है पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिक्लाइन होने लगती है। ठीक है, ये वाला, ये तो हम क्लासिकली पढ़ते ही है, जे शेपेड और एस शेपेड, देन ये आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के हैं। देन जब आप के सिलेक्टेड स्पीशीज के बारे में बात करते हो तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पॉपुलेशन साइज पे डिपेंड करेगी क्या? अगर किसी ऑर्गेनिज्म के ऑफस्प्रिंग्स बहुत सारे हो चुके हैं और उसे लग रहा है कि यहाँ पर रिसोर्सेस कम है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो दिमाग से सोचेगा कि नहीं यार मैं रिप्रोडक्शन नहीं करता हूँ, पर उसके पास रिसोर्सेस इतने कम है कि उसकी फिटनेस कम हो जाएगी। तो जब उसकी फिटनेस कम हो जाएगी तो पर कैपिटा ग्रोथ रेट बाय डिफॉल्ट डिक्लाइन होगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है, जस्ट एक सेकेंड में यहाँ पर अपने आप को हाइड कर रही हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Yes, I am back. तो यहाँ पर वो जो अपना पर कैपिटा ग्रोथ रेट है वो कम हो जाएगा, वो दिमाग से नहीं सोचेगा। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द की सिलेक्टेड स्पीशीज। ह्यूमन तो सोच सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी पॉपुलेशन हो रही है तो आजकल बहुत सारे कपल्स या तो सिर्फ एक ही ऑफस्प्रिंग कर रहे हैं, या कुछ कुछ तो दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी ऑफस्प्रिंग, दे आर लाइक इतनी तो पॉपुलेशन है कौन बच्चा पैदा करेगा। तो यहाँ पर दे आर नॉट ह्यूमंस, बट यहाँ पर जितनी भी के सिलेक्टेड स्पीशीज है, नॉट ओनली ह्यूमंस, जितनी भी के सिलेक्टेड स्पीशीज है उनका खुद का रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कम हो जाएगा, क्योंकि रिसोर्सेज कम होने लगेंगे जब पॉपुलेशन साइज बढ़ने लगेगी। तो यहाँ पर आपको जो ग्राफ मिलता है वो आपको इस तरह का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ मिलता है कि अगर आपका पर कैपिटा ग्रोथ रेट कम हो रहा है, इट मींस कि पॉपुलेशन साइज वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, शिफ्ट वन का क्वेश्चन है। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन साइज। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब आपका रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ DNDT वर्सेस पॉपुलेशन साइज के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो अब आप जब सारे ग्राफ देखोगे तो आपको सारे ग्राफ्स में क्या चीज दिख रही है, आपको यहाँ पर सब सब के अंदर के दिख रहा है, राइट? इन एवरी यू आर सीइंग के, इट मींस कि ये कौन से वाली टाइप की ग्रोथ हो जाएगी, लॉजिस्टिक ग्रोथ हो जाएगी। अब लॉजिस्टिक ग्रोथ में DN बाय DT वर्सेस N पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका ग्राफ कैसा होने वाला है, इस तरह का ग्राफ होने वाला है, बीच वाले ग्राफ के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो वो आपको ए ऑप्शन में भी दिख रहा है और इधर सी में भी दिख रहा है, पर यहाँ पर जब आप ए देख रहे हो तो ए में लास्ट में के बाय टू है, और यहाँ पर जब आपका हाईएस्ट ग्रोथ रेट होगा तब आपका हाफ ऑफ द कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पर बताया गया है, तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आई होप ये बात सभी लोगों को क्लियर है। रोशनी बारा ने बोला है, मैम प्लीज रिपीट एक्सपोनेंशियल ग्राफ थ्री। एक्सपोनेंशियल ग्राफ थ्री में यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड नहीं करेगी, कॉकरोच ये नहीं सोचेगा कि ये लोग अभी स्प्रे करने वाले हैं तो मैं यहाँ पर कम रिप्रोडक्शन करूँ, या मेरे आसपास के जो ऑर्गेनिजम्स है या मेरे आसपास के जो मेरी ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स है वो इतने बढ़ चुके हैं तो मैं कम रिप्रोडक्शन करूँ, वो जितना रिप्रोडक्शन कर रहा था उतना ही रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक है, चलो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है मेटा पॉपुलेशन स्ट्रक्चर का। मेटा पॉपुलेशन स्ट्रक्चर का यहाँ पर एक क्वेश्चन लेकर इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्वेश्चन है जो कि जून 2015 में पूछा गया, रिसेंटली भी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को देखते हैं, द डायनामिक्स ऑफ एनी सब पॉपुलेशन विद इन अ मेटा पॉपुलेशन। एक बड़ी सी पॉपुलेशन में एक छोटे से पॉपुलेशन का ऑफ एनी सब पॉपुलेशन विद इन अ मेटा पॉपुलेशन डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ द नॉर्मल पॉपुलेशन इन दैट। वो जो एक मेटा पॉपुलेशन है उसके अंदर सब पॉपुलेशन का जो डायनामिक्स है वो एक नॉर्मल पॉपुलेशन से कैसे डिफर कर रहा है। बर्थ रेट्स आर लोअर देन द डेथ रेट्स, डेथ रेट्स आर लोअर देन द बर्थ रेट्स, इमिग्रेशन एंड इमाइग्रेशन रेट्स आर सिग्निफिकेंटली हायर, या फिर इमिग्रेशन एंड इमाइग्रेशन रेट्स आर नेग्लिजिबल। एक बार इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें, देन उसके बाद आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जल्दी से बताने की कोशिश करो।
Try to give me answer for this question. चलो यहाँ पर मुझे आंसर आने लगे हैं, जितने भी आंसर आए हैं सभी सही आंसर है, वेरी गुड। कि डायनामिक्स ऑफ एनी सब पॉपुलेशन विद इन अ मेटा पॉपुलेशन डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन इन दैट द इमिग्रेशन एंड ई माइग्रेशन रेट्स आर सिग्निफिकेंटली हायर। कोई भी एक पॉपुलेशन के अंदर जो सब पॉपुलेशन, एक बड़ी सी पॉपुलेशन जैसे मेटा पॉपुलेशन, यहाँ पर ये जितना भी आपको ब्लू बाउंड्री से दिख रहा है दैट इज अ मेटा पॉपुलेशन, तो उसके अंदर जो भी छोटी 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 सब पॉपुलेशन है वो किस तरह से डिफर करती है एक नॉर्मल पॉपुलेशन से, ठीक है। जहां पर इमिग्रेशन एंड ई माइग्रेशन रेट्स आर सिग्निफिकेंटली हायर, या तो बाहर से ऑर्गेनिज्म बहुत आ रहे हैं या तो यहाँ से ऑर्गेनिज्म बहुत बाहर जा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में बहुत सारे चेंजेस देखने मिलते हैं। सो इमिग्रेशन एंड ई माइग्रेशन रेट्स आर सिग्निफिकेंटली हायर, ठीक है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ मेटा पॉपुलेशन के ऊपर जो पूरा थ्योरी है वो दिया हुआ है, आप इसे रेफर कर सकते हो। यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ मेटा पॉपुलेशन है उसमें क्लासिकल मेटा पॉपुलेशन मॉडल के ऊपर डेफिनेशन है, पैची मेटा पॉपुलेशन, नॉन इक्विलिब्रियम मॉडल एंड मेनलैंड आइलैंड पॉपुलेशन मॉडल के ऊपर इंफॉर्मेशन है। सो इसे एक बार रिवाइज कर लेना, अदरवाइज यहाँ पर जितना भी वहां पर आपका पैची, मेनलैंड, क्लासिकल या नॉन इक्विलिब्रियम है उससे रिलेटेड यहाँ पर बहुत ब्यूटिफुल सा ग्राफ है जो कि मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो थ्योरी है वो आप पीडीएफ से रेफर कर लेना। वाई एक्सिस में आपको दिख रहा है कि कितना ज्यादा जो स्पीशीज है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है या नॉन कनेक्टेड है, राइट। जो नॉट स्पीशीज, जो पॉपुलेशन है वो कनेक्टेड है या नहीं है। देन उसके बाद एक्स एक्सिस पे आपको दिख रहा है जो पूरा पॉपुलेशन है वो स्मॉलर है या लार्जर है, मतलब जितनी स्पेस में वो ऑक्यूपाइड है वो छोटी स्पेस में ऑक्यूपाइड है या लार्जर स्पेस में ऑक्यूपाइड है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो नॉन इक्विलिब्रियम जो है उसके लिए जो पूरी पॉपुलेशन है वो हाईली आइसोलेटेड भी है और बहुत छोटी छोटी है, दिख रही है ना आपको ये सारी ब्लू कलर की बाउंड्री, एक दूसरे से आइसोलेटेड भी है और बहुत छोटे छोटे भी है। क्लासिकल जो है, क्लासिकल यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो कि वो बहुत छोटी छोटी पॉपुलेशन है और यहाँ पर उनके कनेक्टेडनेस के बारे में ऐसा है कि कुछ कनेक्टेड है कुछ नॉट कनेक्टेड है, यहाँ पर आप नॉट कनेक्टेड वाली चीजें भी देख पा रहे हो। जब आप मेनलैंड के बारे में बात करते हो तो मेनलैंड में जो एरिया है वो स्मॉल भी है और लार्ज भी है, दोनों टाइप के यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ा है, ये कुछ छोटे हैं और इनके बीच में जो कनेक्टेडनेस है अगेन वो आपके क्लासिकल टाइप ही है कि कुछ ज्यादा कनेक्टेड है कुछ कम कनेक्टेड है। अब मेनलैंड वाला जो है, मेनलैंड आइलैंड, हमारा जो आइलैंड बायोजोग्राफी वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो यहीं से निकल के आता है, इसीलिए आप देख पा रहे हो कि एक मेन सोर्स है और इसके अलावा यहाँ पर छोटे 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 आपके क्या है आइलैंड्स है जहां पर आना जाना लगा रहता है, ठीक है। सो मेनलैंड आइलैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ये इस तरह के ग्राफ में कहाँ पर फॉल करेगा। देन जब आप पैची के बारे में बात करते हो तो पैची के अंदर जितने भी यहाँ पर छोटी छोटी पॉपुलेशन है, सब पॉपुलेशन, दे ऑल आर ऑलमोस्ट स्मॉल, सम आर अ लिटिल लार्जर, पर कनेक्टेडनेस सब में बहुत ज्यादा है, सब एक दूसरे से काफी कनेक्टेड है, तो एक दूसरे के अंदर एक्सचेंज काफी इजिली पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है। आई होप ये बात सभी को यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स इस सेशन को लाइव देख रहे हैं, प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए। इफ यू थिंक सच काइंड ऑफ मेगा मैराथॉन्स आर हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। हम मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स इस सेशन में कवर करेंगे। अगला है रॉन्कियस लाइफ फॉर्म, बहुत सारी बार रॉन्कियस लाइफ फॉर्म से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीएसआईआर में। सिंपल सी चीज है जो कि हमें याद रख लेना है, पांच लाइफ फॉर्म्स है, इनकी लोकेशन, इनमें किस तरह के प्लांट है, ये कितना जमीन से ऊपर उठता है, किस टेम्परेचर पे ग्रो करता है, बस इतना अगर हम याद रख लेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। यहाँ पर आप एक क्वेश्चन, एक जो टेबल देख पा रहे हो वहां पर आप देख पा रहे हो लाइफ फॉर्म्स है फैनेरोफाइट, कीमियोफाइट, हेमी क्रिप्टोफाइट, क्रिप्टोफाइट एंड
थ्रियोफाइट, ठीक है। इनकी यहाँ पर लोकेशन देख रही हो कि ये लोकेशन ऑफ पेरिनेटिंग टिश्यू की है, जमीन से कितना ऊपर है। तो यहाँ पर ये लिस्ट आप इसे रेफर कर लीजिएगा। इससे बेटर यहाँ पर मेरे पास एक स्लाइड है विच इज गोइंग टू गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन कि जो फैनेरोफाइट्स है उसमें कौन कौन सी चीजें बिलोंग करती है। ट्रीज एंड श्रब बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो कि 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हाइट रखते हैं। क्रिप्टोफाइट्स जो होते हैं इन्हें जियोफाइट्स भी बोलते हैं, ये जमीन से बहुत ही ज्यादा क्लोज रहते हैं या हो सकता है पूरी तरह जमीन में ही दबे हुए रहे। तो यहाँ पर ग्रासेस हो सकती है या फिर राइजोम्स हो सकते हैं, बल्ब हो सकते हैं, आपका जिंजर हो सकता है, पटेटो हो सकता है जो कि जमीन से बहुत क्लोज होते हैं, या ग्रासेस हो सकती है। देन थ्रियोफाइट जो होते हैं ये एनुअल प्लांट होते हैं विच सर्वाइव दी अनफेवरेबल पीरियड इन द फॉर्म ऑफ सीड, जो कि सिर्फ एक ही सीजन में आते हैं, जैसे कि हमारा वीट हो गया, राइस हो गया, वो किस कैटेगरी में फॉल करता है? थ्रियोफाइट की कैटेगरी में फॉल करता है जो कि एनुअल प्लांट्स हो जाते हैं। देन आपका आता है कीमियोफाइट्स, ये पेरिनल शूट्स या बर्ड्स होते हैं अबव द ग्राउंड सरफेस, अबाउट 25 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड। ये अगेन यहाँ पर पेरिनियल होते हैं पर ये जमीन से 25 सेंटीमीटर अबव नहीं होते, अराउंड 25 सेंटीमीटर ही इनका साइज होता है। देन हेमी क्रिप्टोफाइट्स जो होते हैं ये पेरिनियल शूट्स होते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, और ये 25 सेंटीमीटर जितनी हाइट को नहीं रीच करते हैं, ये जमीन से एकदम ही क्लोज होते हैं और बहुत बार ये रिलेटर से भी कवर्ड होते हैं, ठीक है। उसी में एक और पॉइंट आता है एपीफाइट्स। तो सभी को पता है एपीफाइट्स क्या होता है कि दे आर द प्लांट्स व्हिच ग्रो ऑन अदर प्लांट्स, और ऐसे जो प्लांट्स होते हैं ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं विथ रूट्स अप इन द एयर। इनकी जो रूट्स भी होती है वो हवा में होती है, एयर में होती है, ठीक है। आई होप ये यहाँ पर सभी को क्लियर है। कुछ टिडबिट पॉइंट्स है यहाँ पर, वो देख लेते हैं कि वार्मर और वेटर क्लाइमेट में आपको कौन से ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। फेनेरोफाइट्स मिलते हैं जो कि काफी बड़े हो जाते हैं, 25 सेंटीमीटर से अबव हो जाते हैं। कोल्ड और ड्रायर एनवायरनमेंट में आपको क्रिप्टोफाइट और हेमी क्रिप्टोफाइट मिलते हैं जो कि जमीन से बहुत ही क्लोज रहते हैं। और जो फायर डोमिनेंट प्लेसेस होती है वहां पर थ्रियोफाइट मिलते हैं। अगर एक बार आप देखते हो ना कि खेती हो जाती है तो जितने भी वहां का जितना भी बचा हुआ, जब आप सीड्स, जो फार्मर्स है वो जब सीड्स हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उसको पूरे खेत को जला देते हैं। तो नॉर्मल भी वो फायर कैच करने में केपेबल होते हैं, अदरवाइज मैन मेड फायर भी वहां पर करी जाती है। तो याद रखना दे आर थ्रियोफाइट्स, इस तरह से याद रख लेना तो याद रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर जो आपको ये लॉन्गर वाला क्वेश्चन दिख रहा है, सेकंड क्वेश्चन जो दिख रहा है जून 2019 में पूछा गया है, इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन रहेगा, सो इट इज गोइंग टू बी गुड फॉर अस कि हम उसे समझ पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो जल्दी से मुझे। Try to give me answer for this question. The table given below lists the type of plant communities and the types of the growth forms. इस question का answer देने की कोशिश करो। Try to give me answer for this question. चलो यहाँ पर आंसर आने तो लगे हैं। Thank you.
चलो यहाँ पर आंसर आने तो लगे हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर एक ही स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। आस्था ने ही सही आंसर दिया है। देख लेते हैं कि यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मैच फॉर द प्लांट कम्युनिटीज विथ मोस्ट डोमिनेंट ग्रोथ फॉर्म जनरली। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ग्रासलैंड, सेमी डेजर्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टुंड्रा, एंड ग्रोथ फॉर्म आप देख पा रहे हो केमियोफाइट, क्रिप्टोफाइट, हेमी क्रिप्टोफाइट एंड फेनेरोफाइट। ठीक है, तो आपने अभी देखा था कि फेनेरोफाइट, सबसे पहले मैंने फेनेरोफाइट ही पढ़ाया था। तो फेनेरोफाइट क्या था? फेनेरोफाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा प्लांट स्पीशीज था जो कि 25 सेंटीमीटर अबव मिल रहा था और जहां पर आपकी जो वार्मर एंड वेटर टाइप का क्लाइमेट था। तो यहाँ पर वार्म भी हो और जहां पर एक अच्छा खासा टाइप का वाटर कंटेंट भी हो तो वो आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है और आर के लिए फोर आपका लास्ट वाला ऑप्शन है, ये बता रहा है। देन अगर आप क्रिप्टोफाइट्स और हेमी क्रिप्टोफाइट्स देखोगे तो क्रिप्टोफाइट्स और हेमी क्रिप्टोफाइट्स में या तो आपका टुंड्रा टुंड्रा चला जाएगा कि जो बहुत कोल्डर है, तो क्रिप्टोफाइट से हेमी क्रिप्टोफाइट्स हो जाएगा। तो एस जो है यहाँ पर आपका 3 बता रहा है ए वाले के लिए, दैट इज हेमी क्रिप्टोफाइट, और यहाँ पर आपका डी वाले में भी एस के लिए 3 बता रहा है, तो आपका जो टुंड्रा है वो हेमी क्रिप्टोफाइट्स हो जाएगा। अब हमारा आता है ड्राई ग्रासलैंड्स या सेमी डेजर्ट। जो ड्राई ग्रासलैंड है और जो सेमी डेजर्ट है इसके अंदर केमियोफाइट जाएगा या क्रिप्टोफाइट जाएगा? नाउ दिस इज द थिंग। तो देखो जो सेमी डेजर्ट होते हैं वो सेमी डेजर्ट के अंदर आपको केमियोफाइट मिलेगा और ड्राई ग्रासलैंड के अंदर आपको यहाँ पर क्रिप्टोफाइट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जब ड्राई ग्रासलैंड बोल रहा है तो ड्राई ग्रासलैंड आपके कोल्डर टाइप के भी हो सकते हैं, कोल्ड ग्रासलैंड्स भी हो सकते हैं। तो इसीलिए क्रिप्टोफाइट ड्राई ग्रासलैंड पे चला जाएगा, पर सेमी डेजर्ट ही बोल दिया तो क्रिप्टोफाइट हो सकता है क्या? डेजर्ट बोल दिया तो वहां पर क्रिप्टोफाइट हो सकता है क्या? क्योंकि वो तो कोल्डर एनवायरनमेंट के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पर ऑप्शन हो सकता है दैट इज योर ऑप्शन डी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, कुछ कुछ बच्चों ने ही सही आंसर दिया था, अनुपम ने दिया था और आस्था ने इसका आंसर दिया था, ग्रेट। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ पर रॉन्कियर्स क्लासिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि आप सीएसआईआर के लिए पढ़कर जाइए, बहुत छोटी सी चीज है बट यू विल बी गेटिंग क्वेश्चन फ्रॉम दैट। अभी रिसेंटली भी आया है जो कि क्वेश्चन यहाँ पर मैंने संभव नहीं लगाया है, पर यहाँ पर भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पीशीज, टाइप्स ऑफ स्पीशीज में बहुत सारी स्पीशीज आती है, कीस्टोन स्पीशीज आती है, सभी कीस्टोन स्पीशीज का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि एक ऐसी स्पीशीज जो कि प्रेडेटर्स को बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ने नहीं देता है और जितने भी छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको खत्म नहीं होने देता है। कीस्टोन स्पीशीज खुद का नंबर उसमें बहुत कम होता है और वो एनवायरनमेंट को जो बेनिफिट पहुंचाता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो अलग 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 तरह के एनवायरनमेंट में अलग अलग तरह के कीस्टोन स्पीशीज हो सकते हैं। यहाँ पर जो आपके पीछे क्लासिकल एग्जाम्पल लगा हुआ है कीस्टोन स्पीशीज का, जो वाइडली पढ़ा जाता है, वो यहाँ पर सी ऑटर का लगा है। ठीक है, जो सी ऑटर है वो सी अर्चिन को खाता है, सी अर्चिन जो है वो फाइटोप्लैंक्टन्स को खा जाता है। तो अगर सी ऑर्डर को हटा दिया जाए तो जितना भी सी अर्चिन है वो पूरा फाइटोप्लैंक्टन खा जाएगा, और अगर वो पूरा फाइटोप्लैंक्टन खा जाएगा तो ये जो पूरी कम्युनिटी है, जो पूरा केल्प फॉरेस्ट है, वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो थोड़े से सी ऑर्डर अगर ऐसे एनवायरमेंट में डाल दिए जाए तो वो सी अर्चिन को खा जाएंगे, और सी अर्चिन को वो खा जाएंगे मतलब कुछ सी अर्चिन का नंबर कम कर देंगे तो पूरा जो फॉरेस्ट है केल्प फॉरेस्ट वो एकदम से वहां से खत्म नहीं होगा। सारी चीजों का जो नंबर है वो बैलेंस रहेगा और इस तरह का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत समय तक सस्टेन कर पाएगा। तो अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग कीस्टोन स्पीशीज हो सकती है। देन यहाँ पर एक है पॉइंट, इकोसिस्टम इंजीनियर्स क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इकोसिस्टम इंजीनियर्स पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है बट बहुत सारी जगह ये एग्जाम्पल आप देख पाते हो कि यहाँ पर अगेन जो इकोसिस्टम इंजीनियर्स हैं ये कीस्टोन स्पीशीज भी हो सकती है, डोमिनेंट स्पीशीज भी हो सकती है, इन्वेजिव स्पीशीज भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। इंजीनियर बोल दिया ना, ये किसी एनवायरनमेंट में जाके उस एनवायरनमेंट को बदल देगी, अच्छे के लिए बदलेगी, बुरे के लिए बदलेगी,
another thing. तो एन इकोसिस्टम इंजीनियर स्पीशीज कैन बी अ कीस्टोन स्पीशीज, डोमिनेंट स्पीशीज या इनवेजिव स्पीशीज या कुछ और भी हो सकते हैं, ठीक है। ये उस एनवायरनमेंट को पूरी तरह अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देगा। अब कीस्टोन स्पीशीज जा रहा था, जैसे सी ऑटर जा रहा था तो सी अर्चिन को वहां पर लिमिट कर रहा था, तो उसकी वजह से जो कीस्टोन स्पीशीज था, सी ऑटर था, उसकी वजह से वो एनवायरनमेंट पूरा चेंज हो रहा है। डोमिनेंट स्पीशीज की वजह से उस एनवायरनमेंट में जो दूसरे स्पीशीज है वो नहीं इतनी अच्छे से फ्लोरिश कर पाते हैं। इन्वेजिव स्पीशीज किसी भी एनवायरनमेंट में जाके उसकी जो नेटिव स्पीशीज है उसको ही खत्म कर देती है। तो ये सभी तरह के ऑर्गेनिज्म एक तरीके से क्या कहलाते हैं, इकोसिस्टम इंजीनियर्स कहलाते हैं, ठीक है। आई होप ये बात सभी लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है, आप उसे रेफर कर सकते हो। बहुत बार बोल चुकी हूँ कि मैं इस पीपीटी को शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। सो द नेम ऑफ माय टेलीग्राम ग्रुप इज बायोफिक्स बाय फरीदा। मेरे टेलीग्राम का के ग्रुप का नाम है, अरे यार ये क्या हो गया, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यहाँ पे मेरा पेन जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। चलो आई थिंक इट इज फंक्शनल नाउ। सो मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है बायोफिक्स बाय फरीदा। आप यहाँ पर इसे रेफर कर सकते हो, इस पीपीटी को यहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये जो स्टक हो गया है इसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। चलो ठीक है, हो गया ना, टेक्निकल इश्यू सॉल्व हो गया जो थोड़ा सा था, ठीक है। अब यहाँ पर इंडिकेटर स्पीशीज कौन सी स्पीशीज होती है जो कि उस एनवायरनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, उस पूरे इकोसिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि ऐसा जो इकोसिस्टम है वो किस तरह से चल रहा है। जैसे कि कोरल बताती है, दैट इज एन इंडिकेटर ऑफ एक्सटेंस ऑफ सिल्टेशन, कि कितना सिल्टेशन हो रहा है। कोरल्स एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है कि एनवायरनमेंट में कितना कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है तो कोरल्स का फॉर्मेशन कम हो जाएगा। तो कोरल इज अ वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ एनवायरमेंटल गैसेस, ठीक है। कोरल ब्लीचिंग इज एन इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। कोरल जो है वो एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि क्लाइमेटिक चेंज कैसे हो रहा है। वैसे ही जो पोलर बियर है, दैट इज अगेन एन इंडिकेटर ऑफ ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, जो टेम्परेचर का चेंज हो रहा है उसके लिए भी जो पोलर बियर्स है दे आर अ गुड इंडिकेटर। तो ये कुछ इंडिकेटर स्पीशीज है जिसके बारे में हमें यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। अम्ब्रेला स्पीशीज, अम्ब्रेला स्पीशीज ऐसा होता है कि अगर आप एक स्पीशीज को सेव कर लोगे तो दूसरी स्पीशीज बाय डिफॉल्ट सेव हो जाएगी। जैसे कि अगर आपने किसी इकोसिस्टम के अंदर टाइगर को सेव कर लिया, तो टाइगर के अब जितने भी वहां पर फूड है, जो टाइगर का प्रे है, वो अपने आप बाय डिफॉल्ट सेव हो जाएगा। उन्हें हमें सेव करने की जरूरत नहीं है। अब उसकी वजह से चलने वाला जो पूरा इकोसिस्टम है वो अपने आप सेव हो जाएगा। उसे हम बोलते हैं अम्ब्रेला स्पीशीज। मैम मौत भी हो सकते है इंडिकेटर स्पीशीज, बिल्कुल मौत भी इंडिकेटर स्पीशीज होते हैं। एनवायरनमेंट में कोई भी गैशियस चेंज होता है, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट अगर बढ़ता है तो वो भी एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है। तो अम्ब्रेला स्पीशीज में आप किसी एक को बचा लो, बाकी अपने आप बच जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो टाइगर जो है वो अम्ब्रेला स्पीशीज में बिलोंग कर रहा है, बेयर जो है वो अपने आप में अम्ब्रेला स्पीशीज है, कि उसकी वजह से जो भी डाउन स्ट्रीम के जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो अपने आप सेव हो जाते हैं। अगला आता है फ्लैगशिप स्पीशीज। फ्लैगशिप स्पीशीज क्या होती है कि एक ऐसी स्पीशीज
जो कि उस एनवायरनमेंट में एक्सक्लूसिवली मिल रही है। आप जैसे जो वन हॉर्न राइनो है वो देखने के लिए आप काजीरंगा जा रहे हो, आप लायन देखने के लिए गिर जा रहे हो, तो ये फ्लैगशिप स्पीशीज है कि फ्लैगशिप स्पीशीज को आप अपना फेस ऑफ द फॉरेस्ट बताते हो और फिर उस फॉरेस्ट का कॉन्जर्वेशन करते हो। अगर आप बोलोगे कि इस मंकी को सेव करना है तो सब लोग क्या बोलेंगे कि इतने सारे मंकीज है, सो व्हाट्स द बिग डील, नो वन इज गोइंग टू बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन सेविंग देम। या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म, कुछ इंसेक्ट्स या कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म या कोई स्नेक के बारे में बोल दिया जाए तो वो कोई इतना इजिली फेमस नहीं है, इतना रिकोगनाइजेबल नहीं है। तो आप कोई ऐसी स्पीशीज लोगे जो कि वहां का फेस है और आप बोलोगे कि इसे सेव करना है, तो वो पूरा जो एनवायरमेंट है वो कंजर्व हो जाएगा। सो पूरी जो बात है व्हेन इट कम्स टू कंजर्वेशन उसी के लिए आता है अम्ब्रेला स्पीशीज एंड फ्लैगशिप स्पीशीज। डोमिनेंट स्पीशीज जिसका सबसे ज्यादा वहां पर नंबर है या बायोमास है तो उसे आप क्या बोलते हो, डोमिनेंट स्पीशीज। डोमिनेंट स्पीशीज की दो मेजर क्वालिटीज की उसका एक तो नंबर ज्यादा होगा और उसका बायोमास वहां पर बहुत ज्यादा होगा। इनवेजिव स्पीशीज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्वेजिव स्पीशीज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर इन्वेजिव स्पीशीज के लिए सारे पॉइंट्स जो रिक्वायर्ड है वो कि रीजन ऑफ इन्वेजिवनेस इंक्लूड्स ड्यूरिंग द कंपटीशन फॉर द रिसोर्स नो फियर ऑफ बीइंग प्रे। इन्वेजिव कौन होगा जब उसे कोई खतरा ही नहीं होगा कि हाँ कि लोकलाइट जो है वो तो मुझे कोई परेशान नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरा डिफेंस ही ऑल टुगेदर अलग लेवल का है, तो ये यहाँ पर उसको कोई भी वो खुद किसी प्रेडेटर से नहीं डरेगा। उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी, उसका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होगा, वो अपना नंबर बढ़ाएगा बहुत जल्दी, बहुत इजीली एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे चला जाएगा, तभी तो वो इन्वेजिव हो पाएगा। अगर वो मोबाइल नहीं होगा तो वो इन्वेजिव कैसे हो पाएगा, ठीक है। फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी, वो बहुत इजीली अपने आप को चेंज कर लेगा एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। टॉलरेंस लेवल हाई होगा, हाई एसिमिलेशन कैपेबिलिटी होगी, बहुत ज्यादा खाकर बहुत ज्यादा नंबर बनाएगा। लैक ऑफ प्रेडेटर या लैक ऑफ नेचुरल स्पीशीज होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमें याद रखना है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चंस को रेफर करिएगा, इन क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिएगा ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सके कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। बट स्टिल यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए, थोड़ा स्टिमुलेट करने के लिए हम यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ उसे सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, मुझे इसका आंसर देने की कोशिश करो, ठीक है। ओके, ग्रेट ग्रेट अनुपम, नाइस टू नो कि आप भी रिविजन बहुत अच्छे से कर रहे हो, चल रहा है रिविजन, वेरी गुड। चलो फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, गिव ट्राई टू गिव मी आंसर फॉर द फोर्थ क्वेश्चन। ट्राई टू गिव मी आंसर फॉर द फोर्थ क्वेश्चन। कुछ कुछ बच्चों ने आंसर देना शुरू किया है, पर अगेन मैं यही बोलूंगी कि तुम लोग जोश में होश मत खो बैठो, थोड़ा सा 2-5 मिनट का टाइम जब तक मैंने दिया हुआ इतना टाइम तुम ले सकते हो क्वेश्चन को समझने में, सॉल्व करने में इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। यू कैन टेक अ बिट टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन। सारे बच्चों ने एक जैसा आंसर दिया, ओके चलो क्वेश्चन देखते हैं। स्पीशीज है, ए हैज अ लार्ज इफेक्ट ऑन द कम्युनिटी बिकॉज ऑफ इट्स अबंडेंस। यहाँ पर बोल रहे हैं कि उसका नंबर बहुत ज्यादा है इसीलिए उसका इफेक्ट ज्यादा है, तो ये हो ना हो डोमिनेंट स्पीशीज का कैरेक्टरिस्टिक लग रहा है। स्पीशीज बी हैज लार्ज रोल इन कम्युनिटी, स्पीशीज बी का बहुत ज्यादा रोल है कम्युनिटी में आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू इट्स अबंडेंस। आउट ऑफ प्रोपोर्शन की उसका अबंडेंस भले कम है पर यहाँ पर उसका जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा है। देन स्टेटस ऑफ स्पीशीज सी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम। यहाँ पर एक ऐसी स्पीशीज जिसकी प्रेजेंस की वजह से हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम पता चलती है कि यहाँ पर इकोसिस्टम प्रॉपर जैसा
स्टार्टिंग में था वैसा है या नहीं है. देन सिग्निफिकेंट कंजर्वेशन रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू स्पीशीज डी व्हिच इज सिंगल लार्ज एंड इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल. कुछ ऐसी स्पीशीज है जिसको कंजर्व करने के लिए पूरा सब कुछ किया गया है और उसकी वजह से दूसरी स्पीशीज भी वहां पे कंजर्व हो रही है और वो उस जगह का रिप्रेजेंटेटिव है क्योंकि वो वहां पर बहुत अच्छे से मिलता है. मैम ने कंफ्यूज कर दिया इसीलिए सबने चेंज कर दिया. बट यस, जिसने पहले जितने लोगों ने भी आंसर दिया था वो सही आंसर दिया था. कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी अपने आंसर पर. स्पीशीज ए हैज लार्ज इफेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स अबंडेंस, तो ये हो ना हो डोमिनेंट है, वो बहुत ज्यादा इसीलिए ज्यादा इफेक्ट है, तो डोमिनेंट. बी में बोला जा रहा है उसका इफेक्ट ज्यादा है, वो भले कितना भी हो एक या दो हो फिर भी उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा है. कीस्टोन हेल्थ आ गया तो इंडिकेटर. आप कंजर्व किसे कर रहे हो, किसी एक को कर रहे हो उसकी वजह से बाकी चीजें भी कंजर्व हो रही है. फ्लैगशिप हमने बात करी, वन हॉर्न राइनो जो कि कहाँ पे मिलता है, काजीरंगा में मिलता है, तो फ्लैगशिप. तो यहाँ पर आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो ए ही करेक्ट होगा. ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, अब एक अगली बहुत ही सिंपल सी टेक्निक, मार्क रिकैप्चर टेक्निक. बड़ी ही सिंपल टेक्निक बट स्टिल इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है. मार्क करा आपने स्पीशीज को, एक बार आपने स्पीशीज को कैप्चर करा, उन्हें मार्क किया, उन्हें छोड़ दिया. दूसरी बार जा गए कुछ समय के बाद, उसे फिर से रिकैप्चर किया और ये डेटा नोट डाउन किया कि दूसरी बार में आपको कितने मार्क मिले. तो इसे क्या बोलते हैं, मार्क रिकैप्चर मेथड. समझो कि आज मैं फिशिंग के लिए जाती हूँ और मुझे 10 फिशेस मिलती है. ठीक है, मैं सारी फिशेस के अंदर टैग लगा देती हूँ, टेल के अंदर छोटे छोटे टैग लगा देती हूँ, कुछ बीड लगा देती हूँ. ठीक है, फिर उसके बाद मैं एक हफ्ते के बाद जाती हूँ, 1 वीक के बाद सेम टाइम पर जाके फिशिंग करती हूँ, मुझे मिलती है 12 फिशेस. ठीक है, फिशेस मिली 12, इसमें से 8 के अंदर टैग थे. अब मुझे पता करना है कि इस एनवायरनमेंट में टोटल, इस लेक के अंदर टोटल कितनी फिशेस है. तो ये वाली जो टेक्निक होती है क्या होती है, मार्क रिकैप्चर टेक्निक होती है. इसका जो फॉर्मूला है पॉपुलेशन साइज का, दैट गोज लाइक दिस, N1 मल्टीप्लाइड बाय N2 डिवाइडेड बाय N3. यहाँ पर N1 क्या है, नंबर इनिशियली कॉट मार्क एंड रिलीज, जो फर्स्ट टाइम कॉट है वो, मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कॉट इन द सेकेंड सैम्पलिंग. मतलब ऊपर आपका क्या आएगा, दोनों बार आपने कितने कैप्चर किए वो आएंगे, और नीचे क्या आएगा कि आपको सेकेंड टाइम के कैप्चर में क्या मिला, कितने मार्क मिले. तो ये होता है मार्क रिकैप्चर मेथड. सो यहाँ पर आप लिखोगे फर्स्ट कैप्चर, ठीक है, फर्स्ट कैप्चर का आप यहाँ पर नंबर बता दोगे, मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कैप्चर. ठीक है, दूसरी बार में आपको कितने कैप्चर मिले उसका नंबर आप न्यूमरेटर में लिख लोगे, डिवाइडेड बाय टैग्ड इन सेकेंड कैप्चर, दूसरे बार में आपको कितने मिले कैप्चर. इस तरह से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करोगे. तो अभी मैंने आपको बताया था पहली बार कैप्चर करने में 10 फिशेस मिली, दूसरी बार कैप्चर करने में 12 फिशेस मिली, उन 12 फिशेस में से 8 जो फिशेस थी वो टैग्ड थी. तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 10 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 8. तो ये आपका आंसर इस तरह से निकल के आ जाएगा. सिंपल सी बात है, सिंपल टॉपिक है मार्क रिकैप्चर टेक्निक. यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर मैंने आपके रेफरेंस के लिए क्वेश्चंस लगा रखे हैं, आप इसे सॉल्व करिएगा सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ठीक है, करेक्ट है बात यहाँ पर, ठीक है बात, चलो वेरी गुड. यहाँ पर दयाना ने सॉल्व भी किया है, कमलेश ने भी सॉल्व किया है, तो सिर्फ उसने करेक्ट लिखा है, वेरी गुड. अगला देखते हैं लॉटका वोल्टेरा मॉडल. देखो जहां पर भी एनवायरनमेंट में कंपटीशन है बिटवीन द स्पीशीज, तो कितनी कंपटीशन है, कौन सी स्पीशीज विन करेगी, कौन सी स्पीशीज लूज करेगी, आप किसके थ्रू देखोगे, लॉटका वोल्टेरा मॉडल के थ्रू आपको पता चलेगा कि कौन सी स्पीशीज विन कर रही है, कौन सी स्पीशीज लॉस कर रही है बाय द एंड. ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज आपके लिए इंपॉर्टेंस रखेगी कि उनकी कैरिंग कैपेसिटी. तो ये लास्ट जो मैराथन हुई थी उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था, जो एक मेगा मैराथन थी जो कि एक क्लब्ड मैराथन थी, वहां पे भी हमने इसे देखा था, 4 कंडीशन होती है. एक बार जाकर उस मैराथन को भी रेफर कर लेना. यहाँ पर आपका जो वाई एक्सिस है उसके अंदर आपको सेकेंड स्पीशीज
के लिए मिलता है नंबर और जो एक्स एक्सिस है उसमें फर्स्ट स्पीशीज के लिए नंबर मिलता है। एक कंडीशन के अंदर एक स्पीशीज का नंबर कैरिंग कैपेसिटी को एक्सीड कर जाता है और एक स्पीशीज का कैरिंग कैपेसिटी को नंबर एक्सीड नहीं करता है। तो कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ कि जिस स्पीशीज का नंबर कैरिंग कैपेसिटी को एक्सीड कर जाएगा तो वो तो भैया कैरिंग कैपेसिटी को एक्सीड कर गया तो खुद ही लड़ मरेंगे। हो रहा है नहीं हो रहा है कि ह्यूमंस की पॉपुलेशन खुद इतनी बढ़ गई है कि वो दूसरी स्पीशीज से क्या ही फाइट करेगी। जैसे कि ह्यूमंस के अंदर अगर कहीं पर बहुत ज्यादा क्राउडिंग हो रही है, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि आज सुबह ही न्यूज सुन रही थी, बीबीसी की न्यूज थी, तो बता रहे थे कि जो इसराइल पैलेस्टीन के बीच में जो वॉर चल रहा है तो पैलेस्टीनियंस जो है वो एक बहुत ही छोटे से स्पेस पे रहने के लिए मजबूर है, तो वहां पर भुखमरी जैसी हालत है। ठीक है, तो अब वहां पर वो लोग खाने के लिए कॉम्पीट करेंगे एक दूसरे से, रादर देन कि वहां पर कितने मच्छर हो रहे हैं, वहां पर कितने दूसरे टिक्स हो रहे हैं, वहां पर दूसरे किसी और चीज से फाइट तो बाद में करेंगे, पहले तो एक दूसरे के साथ रिसोर्सेस के लिए फाइट करने लगेंगे। ठीक है, तो जो भी स्पीशीज का नंबर अपनी कैरिंग कैपेसिटी को एक्सीड कर जाता है वो खुद ही में लड़ लेते हैं, और वो खुद में लड़ लेते हैं तो ऑब्वियसली जो दूसरा बंदा है उसे बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, ये कहानी बचपन से सुनी हुई है ना कि डिवाइड एंड रूल, तो वहां पर जो सारे जो एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स है वो खुद ही में लड़ेंगे तो दूसरी स्पीशीज जो है वो अपने आप में उसको बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये दोनों ही कंडीशंस में एप्लीकेबल है। इसके ग्राफ को रीड करने का जो तरीका है मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था लास्ट में कि यहाँ पर जहां पर भी आपको K1 बाय अल्फा दिख रहा है वो आपका N2 होता है, और जहां पर भी K2 बाय बीटा दिखता है वहां पर N1 होता है। तो जो भी आप अपनी कैरिंग कैपेसिटी को एक्सीड कर गया है वो वहां पर लॉस्ट कर जाएगा, और जो अपनी कैरिंग कैपेसिटी के विदिन है वो वहां पर विन कर जाएगा। एक कंडीशन आती है जिसमें दोनों ही अपनी कैरिंग कैपेसिटी को एक्सीड कर जाते हैं, और एक कंडीशन आती है जो जिसमें दोनों ही अपनी कैरिंग कैपेसिटी से कम है। ठीक है, जहां पर दोनों ही अपनी कैरिंग कैपेसिटी को एक्सीड कर चुके हैं वहां पर अनस्टेबल एग्जिस्टेंस है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वहां पर लॉस्ट कर सकता है। फिर एक कंडीशन आती है जिसमें दोनों ही अपनी कैरिंग कैपेसिटी से कम है, ऐसे में वो जीतेगा जिसका नंबर पहले ज्यादा था, जो वहां पर ज्यादा था स्टार्टिंग में वो वहां पर जीत जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर चार जो कॉन्सेप्ट चाहिए याद रखने हैं। ग्राफ जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं, बहुत क्विकली आपको एक्सप्लेन कर दिया है, लास्ट मैराथन में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, रेफर कर सकते हो। इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देखिए, आप इस क्वेश्चन शायद ये मेरे पीछे छिप रहा है तो मैं अपने आप को हाइड कर लेती हूँ, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, देन उसके बाद हम इस क्वेश्चन को समझेंगे क्योंकि दिस इज क्वाइट अ यूनिक टाइप ऑफ क्वेश्चन आज इन CSIR, तो हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। आई एम गिविंग यू सम टाइम, हाइडिंग माई सेल्फ, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, चलो मैंने अपने आप को छिपा लिया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो जल्दी से। मैंने अपने आप को छिपा लिया है, आंसर आने लगेंगे तो आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग। ओके, तो कोशिश करो आंसर देने की। चलो, मुझे कोई बहुत सारे आंसर्स दिख नहीं रहे हैं यहाँ पर, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने लगती हूँ। मैं अपने आप को हिडन ही रख रही हूँ इस क्वेश्चन के लिए क्योंकि पीछे बहुत सारा मेरे छुप रहा है। ठीक है, इनकॉर्पोरेटिंग एडिशनल इकोलॉजिकल फैक्टर्स इनटू लॉटका वाल्टेरा प्रेडेटर मॉडल कैन चेंज द प्रेडेटर आइसोक्लाइन, यहाँ पर प्रेडेटर का आइसोक्लाइन जो चेंज हो रहा है, गिवन बिलो आर थ्री स्टेट स्पेस ग्राफ्स ए टू सी, यहाँ पर तीन ग्राफ दिए हुए हैं रिप्रेजेंटिंग द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रेडेटर आइसोक्लाइन ड्यू टू इकोलॉजिकल फैक्टर्स। यहाँ पर
PQR आपको जो है वो एक मॉडिफिकेशन दिख रहा है प्रेडेटर के आइसोक्लाइन का। अब यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है जो कंडीशन दी हुई है वो आपके PQR से किस कंडीशन से यहाँ पर मैच कर रही है, किस चीज के लिए यहाँ पर ये दिया गया है, ये यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, दिस इज व्हाट दे हैव आस्क्ड यू। यहाँ पर मुझे आंसर आने लगे हैं और सही आंसर भी आने लगे हैं। वेरी गुड। पहला बोल रहा है विक्टिम अबंडेंस एक्टिंग एज प्रेडेटर कैरिंग कैपेसिटी। यहाँ पर पहला क्या बोल रहा है कि विक्टिम की अबंडेंस एक्टिंग एज प्रेडेटर कैरिंग कैपेसिटी, कि यहाँ पर विक्टिम जो है वो कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रेडेटर कितना बढ़ेगा। मतलब इस तरह से समझो कि एक फॉरेस्ट है वहां पर कितने डियर है उसकी वजह से डिपेंड करेगा कि कितने टाइगर है। अभी सुना है ना कि कूनों में चीता लाया गया है, तो कूनों में चीता लाया गया है तो चीता को खाना भी देना था। तो जो राजस्थान के ब्लैक बक्स थे कुछ कुछ नेशनल पार्क्स के, उन्हें उठा के कूनों में डाला गया ताकि चीता उसे कंज्यूम कर सके। तो ये एक तरह से उसका रिसोर्स जो है उसका बिल्टअप किया गया। तो ऑब्वियसली जितना खाना रहेगा, हमने स्टार्टिंग से बात करी है कि के किस पे डिपेंड करता है कि कितना रिसोर्स है। अब जगह तो खूब दे दी, जगह तो बहुत है प्रिडेटर और विक्टिम के बीच में कंपैरिजन है, तो अगर विक्टिम बढ़ेगा तो प्रिडेटर ज्यादा ही होगा, ऑब्वियस ही बात है, दोनों एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल ही रहेंगे। तो यहाँ पर जो आपका ए है वो किसके लिए हो जाएगा, ए आपका किसके लिए हो जाएगा, ए इज गोइंग टू मैच विथ, टेल मी, ए इज गो, ये वाला जो आपका ए वाला जो ग्राफ है वो किसके लिए मैच हो जाएगा आपके ए बी एंड ये सी, इस तरह से यहाँ पर जा रहा है। सो विक्टिम अबंडेंस एक्टिंग एज प्रेडेटर कैरिंग कैपेसिटी, तो वो किसके लिए चला जाएगा आपका, दोनों एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल है। ठीक है, देन उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेट प्रे विक्टिम पॉपुलेशन। अगर ऑल्टरनेट कोई प्रे अवेलेबल है तो विक्टिम पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज करेगी, ऑल्टरनेट प्रे अवेलेबल है फाइन, तो वहां पर आपका जो नंबर ऑफ प्रेडेटर्स है वो एक वक्त तक नॉर्मल रहेगा, और फिर जब विक्टिम का एक पर्टिकुलर नंबर मिल जाएगा उसे, तो प्रेडेटर की जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगी। देन प्रेडेटर कैरिंग कैपेसिटी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर्स देन द विक्टिम अबंडेंस। रुक जाओ, इस क्वेश्चन में मुझे कुछ गड़बड़ दिख रही है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। रुक जाओ, ये वाले क्वेश्चन में ना थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एम आई ऑडिबल विजिबल, यहाँ पर क्या हो गया, रुक जाओ मैं अपने आप को विजिबल कर रही हूँ। यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर मुझे थोड़ा सा यहाँ पर कुछ गड़बड़ दिख रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं, अगर होता है तो बाय द एंड ऑफ द सेशन यहाँ पर जो है वो सही, नहीं, सही है। ठीक है, देन उसके बाद प्रेडेटर कैरिंग कैपेसिटी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर्स अदर देन द विक्टिम अबंडेंस, कि विक्टिम जितना भी है, ठीक है, जितना भी उसके पास खाना है, जितना भी प्रेडेटर है वो तो ठीक है, पर उसके पास अब जगह नहीं है। जैसे कूनों में बहुत सारे अभी जो चीता है उनकी डेथ भी हुई है, तो भले कितना भी खाना उन्हें दे दिया जाए, कितने भी ब्लैक बक दे दिए जाए, पर उसको दूसरी भी चीजें यहाँ पर अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो जो दूसरी चीजें हैं वो भी अफेक्ट कर रही है, तो प्रेडेटर के लिए प्रे जितना भी बढ़ता जाए वो एक उसके बाद स्टैग्नेंसी आ जाएगी कि ठीक है भैया बढ़ता जा रहा है बट इट इज नॉट अफेक्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट वाला है उसके लिए ये हो जाएगा, जो सेकेंड वाला है उसके लिए ये हो जाएगा, और जो थर्ड वाला है उसके लिए ये हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर अगर कुछ कंफ्यूजन है बिटवीन द ऑप्शंस तो उसे रहने दो, अदरवाइज यहाँ पर जो हमने मैच किया है वो यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर और भी क्वेश्चंस है जिन्हें आप प्रेफर कर सकते हो, पर ये क्वेश्चन काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसीलिए इनको आप खुद के प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हो। अगर डाउट रहेगा तो टेलीग्राम पर डाउट मुझे पोस्ट कर देना। ठीक है, अब आते हैं सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम्स। जो स्ट्रीम्स होती है उनका सेल्फ प्यूरिफिकेशन हो जाता है नहीं होता है, ये यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो भैया स्ट्रीम ही बोल रहे हैं, तो जो बहता हुआ पानी होता है उसका तो सेल्फ प्यूरिफिकेशन पॉसिबल है ना, जो बहता हुआ पानी होता है उसे हम क्या मानते हैं, दैट इज प्योर। तो यहाँ पर जो बहता हुआ पानी है जो कि प्योर होता है वो कैसे अपना सेल्फ रिन्यूअल कर रहा है वो यहाँ पर हम देखेंगे, उसके कौन कौन से जोन्स होते हैं वो देखेंगे। यहाँ पर से क्वेश्चन
यहाँ पर से क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। रितु ने यहाँ पर मुझे प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट करने के लिए बोला है। रितु, एक बार मैं उस क्वेश्चन को पोस्ट कर दूंगी, और कल भी हमारा एक मैराथन सेशन है, उसके अंदर मैं उस क्वेश्चन को डेफिनेटली एक बार ले लूंगी, ठीक है। डोंट वरी रितु एंड दयाना, कल के सेशन में हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ले लेंगे। चलो, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब भी कोई बहता हुआ पानी है, उसके अंदर एक ऐसा जोन होगा जहां पर कोई भी इंडस्ट्रीज है, उससे पानी में वेस्ट जा रहा है, ठीक है। एक जगह में इंडस्ट्री से पानी वेस्ट वहां पर जाते जा रहा है, ठीक है। तो जब वेस्ट जाते जा रहा है, तो वहां से तो वो वेस्ट बह जाएगा, आगे चल के कहीं पर वो वेस्ट जमा हो जाएगा, ठीक है। जहां पर पानी में वो वेस्ट रिलीज हो रहा है, वहां से वो थोड़े से आगे पे जाकर एक ऐसा जोन बनाएगा जिसका नाम होता है सेप्टिक जोन, ठीक है। जहां से वो रिलीज हो रहा है, वहां से वो आगे बह गया, बहता हुआ पानी है, ठीक है। वहां पर वो सेप्टिक जोन बना लेगा, वहां पर सेप्टिक जोन में वो सारी चीजें इकट्ठा हो जाएगी, ठीक है। उसके आगे एक जोन बनेगा जहां पर वो धीरे 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 उसे ठीक करने लगेगा, तो वो क्या कहलाता है, वहां पर रिकवरी जोन कहलाता है। और उसके आगे जो पहुंच जाएगा वो क्लीन जोन पहुंच जाएगा, बहुत दूर के बाद वो पानी जो है वो क्लीन हो जाएगा। जहां पर ये पॉइंट सोर्स है, उसके पहले वाला जो पानी है वहां पर तो कहीं अभी हमने पॉइंट सोर्स डिस्कस नहीं किया है, तो वो वाला जोन भी कैसा रहेगा, क्लीन जोन रहेगा। जहां पर पानी में ये गंदगी रिलीज की गई है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है डीकम्पोजिशन जोन, ठीक है। अब ये जो जोन्स हैं उनके बारे में तो हमने डिस्कशन कर लिया, पर यहाँ पर इन जोन्स में कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे कि यहाँ पर डिजोल्ड ऑक्सीजन कैसा रहेगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कैसी रहेगी, ये हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। यहाँ पर मुझे तैयबा पूछ रही है कि कल भी इकोलॉजी है क्या? नहीं बेटा, कल सेल बायोलॉजी पढ़ाऊंगी, और सेल बायोलॉजी में स्पेशली मैं आपको प्रोटीन ट्रांसपोर्ट पढ़ाऊंगी, और सेल्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है वो हम पढ़ेंगे। बेसिकली हम यहाँ पर जो साइटोस्केलेटन है वो वाला पार्टिकल कवर करेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। सेल साइकिल के ऊपर एक जो क्विक रिवीजन था वो मैंने पिछले मैराथन में करवा दिया था, ठीक है। जितने भी बच्चे यहाँ पर आके मुझे मॉर्निंग विश कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स को अ वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो क्लीन जोन है, तो यहाँ पर तो सब कुछ ही मिलेगा, यहाँ पर आपको फिशेस मिलेंगी, यहाँ पर आपको हर तरह के दूसरे फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन सब मिलेंगे। यहाँ पर डिजोल्ड ऑक्सीजन पानी की भी बहुत अच्छी रहेगी, और यहाँ पर कोई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। पर जैसे ही डिकम्पोजिंग जोन आएगा, वैसे ही डिजोल्ड ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एकदम ज्यादा हो जाएगी। सेप्टिक जोन में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन भी कम होगी, और यहाँ पर जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा ऐसा एरिया होगा जो कि डेड एरिया रहता है। देन उसके बाद रिकवरी जोन के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी, और यहाँ पर जो आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी यहाँ पर कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगेन ये रिकवरी जोन है, तो यहाँ पर इतना डिकम्पोजिंग जैसा कुछ एनवायरमेंट होगा नहीं, और क्लीन जोन में आपका डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो यहाँ पर कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डिकम्पोजिशन नहीं चल रहा है। यहाँ पर शुभम ने बोला है, टुमारो सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट डिस्कशन प्लीज। शुभम, यहाँ पर आप सेल साइकिल वाला, सेल फ्यूजन वाला एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं क्या, कि कैसे सेल साइकिल ट्रांजिशन होगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे बोला है ऋतु ने कि यहाँ पर माइक्रोब्स होंगे या नहीं होंगे, यहाँ पर माइक्रोब्स होंगे, पर यहाँ पर एनएरोबिक माइक्रोब्स होंगे, इसीलिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यहाँ पर कम है, यहाँ पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म मिलने लगेंगे। ऋतु, देखो यहाँ पे सबसे नीचे लिखा है एनएरोबिक, ठीक है, क्लियर है बात। यहाँ पर यही सारी चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ हैंडमेड स्लाइड्स है, कुछ स्लाइड्स है, तो आप उसे रेफर कर सकते हो, ठीक है। शुभम, एक फेवर कर देना, अगर ये जो क्वेश्चन है और ये जो चीजें हैं ये आप चाह रहे हो, तो एक बार शेयर कर देना मेरे साथ, अदरवाइज मैं लेकर आ जाऊंगी, ठीक है। सेल फ्यूजन वाला की सेल साइकिल ट्रांजिशन कैसे होता है, दैट आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। इफ यू हैव अ क्लासिकल क्वेश्चन डू शेयर विद मी, ओके।
जितने भी क्वेश्चंस है जो कल के सेशन में सेल बायोलॉजी से रिलेटेड चाह रहे हो तो वो मेरे साथ शेयर कर देना सभी बच्चे। आगे चलते हैं, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। CSIR यहाँ से क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछ चुका है, इस बारी तो नहीं पूछा था, कैलकुलेशन बेस्ड नहीं पूछा था, बट वो जो क्लासिकल क्वेश्चन है CSIR का कि कहाँ पर ज्यादा प्रोडक्टिविटी है, कहाँ पर ज्यादा एफिशिएंसी है, कहाँ पर क्या है, वो क्वेश्चन तो आया ही था। ठीक है, तो यहाँ पर कंजम्पशन एफिशिएंसी के लिए आप एक फॉर्मूला देख रहे हो, देन एसिमिलेशन एफिशिएंसी, प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड ट्रॉपिक एफिशिएंसी। इसके ऊपर लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, वो अभी आई विल शो यू द क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कंजम्पशन एफिशिएंसी इज इक्वल टू इंजेशन, कितना एक ट्रॉपिक लेवल इंजेस्ट कर रहा है, डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन उस ट्रॉपिक लेवल पे नहीं, उसके पहले वाले ट्रॉपिक लेवल पर N-1। ठीक है, एक पहले वाला ट्रॉपिक लेवल। एसिमिलेशन का क्या, AN मतलब एसिमिलेशन एट दैट ट्रॉपिक लेवल डिवाइडेड बाय इंजेशन एट दैट ट्रॉपिक लेवल, मैंने कितना खाया और कितना अपनी बॉडी में एसिमिलेट किया ताकि दूसरे ट्रॉपिक लेवल के लिए अवेलेबल हो, इसे एसिमिलेशन एफिशिएंसी बोलते हैं। देन प्रोडक्शन एफिशिएंसी इज इक्वल टू उस ट्रॉपिक लेवल पर जो प्रोडक्शन हो रहा है डिवाइडेड बाय एसिमिलेशन, उसने कितना एसिमिलेट किया और कितना प्रोड्यूस किया। नेक्स्ट आता है ट्रॉपिक एफिशिएंसी। ट्रॉपिक एफिशिएंसी ट्रॉपिकल लेवल के बारे में बात कर रहे हो, तो इस पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल पर कितना प्रोडक्शन था और पिछले वाले ट्रॉपिकल लेवल पर कितना प्रोडक्शन था, दैट विल बी यूज्ड ओवर हियर। प्रोडक्शन एट दिस ट्रॉपिक लेवल डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन एट द प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल, ये यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज है, अगर आप इसे याद रखो तो बहुत अच्छा है, नहीं भी याद रखोगे तो जो क्वेश्चन है वो काफी लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन था जो आया था। यहाँ पर फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिवाइडेड बाय इंसिडेंट टोटल सोलर रेडिएशन, कितना कितना प्राइमरी प्रोडक्शन हो रहा है डिवाइडेड बाय कितनी सोलर रेडिएशन उसके ऊपर पड़ी। नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिवाइडेड बाय ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एसिमिलेशन एफिशिएंसी, फूड एनर्जी एसिमिलेटेड डिवाइडेड बाय फूड एनर्जी इंजेशन। यहाँ पर मैं आपको डेफिनेटली कुछ कुछ फॉर्मूलाज बता रही हूँ, पर ये सारे फॉर्मूलाज से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है कि किसकी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ज्यादा होगी, किस तरह के प्लांट्स की फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ज्यादा होगी, किस तरह के प्लांट्स की नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी ज्यादा होगी, एसिमिलेशन एफिशिएंसी किस स्पीशीज की ज्यादा होगी, ये सारी चीजें बहुत डिटेल्ड में पढ़ना होगी, CSIR में क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह से डिजाइन किया था कि बाय चांस आपको नहीं भी आता है कि किस तरह से उसे हैंडल करना, या अगर आप फॉर्मूला नहीं भी पढ़कर गए थे तो लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन में ही कन्वर्ट हो रहा था। यहाँ पर आपको दिख रहा है एक डायग्राम जो कि बता रहा है एनर्जी फ्लो विद इन अ सिंगल ट्रॉपिक लेवल, कितना अमाउंट इंजेस्ट किया, कितना अमाउंट नॉन एसिमिलेटेड रहा, कितना अमाउंट से उसने रेस्पिरेशन कर लिया, कितने अमाउंट को उसने एसिमिलेट कर लिया और कितना उसने प्रोडक्शन कर लिया, और ये एक प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल पर कितना प्रोडक्शन था, ये सारी चीजें यहाँ पूछी दी हुई थी। ठीक है, यहाँ पर ये दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट वैल्यू। अब यहाँ पर आपका PN निकालना था, NA निकालना था, R निकालना था, I निकालना था, और यहाँ पर आपकी जो वैल्यू दी हुई थी वो PN-1 की दी हुई थी। देन इंजेशन अपॉन PN-1 दिया हुआ था, ए एसिमिलेशन डिवाइडेड बाय इंजेशन दिया हुआ था, और प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एसिमिलेशन यहाँ पर दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसके लिए मैंने प्रॉपर एक वीडियो में इसे एक्सप्लेन किया हुआ है। सो यहाँ पर मैंने एक स्लाइड लगा दी है जो कि आप प्रेफर कर सकते हो, अगर पॉसिबल होगा तो इवन आई विल शेयर द लिंक ऑफ दैट सेशन विद यू, सो दैट वेरी इजिली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, यहाँ पर आपको जो चीजें दी हुई है सबसे पहले तो आप उसे नोट डाउन कर लोगे, PN-1, I अपॉन PN-1। तो देखो मैं यहाँ पर आपको फिर भी एक क्विकली बता देती हूँ कि जब PN-1 दिया हुआ है, I अपॉन PN-1 है, तो आप I तो वैसे ही निकाल लोगे क्योंकि PN की वैल्यू दी हुई है, फिर A अपॉन I इज 35%, तो A आप निकाल लोगे, और PN अपॉन A तो आप PN निकाल लोगे, तो यही तो यहाँ पर पूछा गया था। बहुत ही इजीली इसे सॉल्व किया जा सकता है, जस्ट इफ यू विल सी द क्वेश्चन और जो जो गिवन है
लिख लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि गिवन को ही आप एक दूसरे में जब सॉल्व करने लगोगे तो आपका जो आज है वो आ जाएगा। बहुत ज्यादा अगर आपको इन्फॉर्मेशन या बहुत ज्यादा डिटेल्ड नॉलेज नहीं भी है इस पूरी चीज का तो भी आप इसे लॉजिकली सॉल्व कर सकते थे। अगला पॉइंट आता है इकोलॉजिकल रूल्स। इकोलॉजिकल रूल्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोप्स रूल, डॉलोज रूल, ओक्लाहम्स रूल, वैन वैलेंस रूल, देन आपका बर्जमैन्स प्रिंसिपल, एलन्स रूल, ये सारी चीजों के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आई हैव पुट द स्लाइड, यू कैन रेफर ऑल ऑफ दीज रूल्स। ठीक है, रूल्स बहुत सारे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, रेफर कर लेना। आइलैंड बायोजोग्राफी, अभी हमने जो मेटा पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट देखा वहीं से अराइज होता है आइलैंड बायोजोग्राफी का कॉन्सेप्ट। आइलैंड बायोजोग्राफी में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक तो डिस्टेंस बहुत मैटर करता है और साइज बहुत मैटर करता है कि जो मेनलैंड है वहां से आइलैंड कितना दूर है और मेनलैंड से जो आइलैंड दूर है पास है जो भी उसका साइज कितना है, उसी के ऊपर इमिग्रेशन डिपेंड करेगा, उसी के ऊपर इमाइग्रेशन डिपेंड करेगा और उसी के ऊपर एक्सटेंशन डिपेंड करेगा और उसी के ऊपर बर्थ रेट डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी नई स्पीशीज को कंसिडर नहीं किया जाता है इस पूरे टॉपिक में। ठीक है, तो यहाँ पर आइलैंड बायोजोग्राफी जो है उसके लिए भी सीएसआईआर में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन जो कि 2018 में पूछा गया है वो हम यहाँ पर कर लेते हैं सो दैट आई कैन नो कि व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑन आइलैंड बायोजोग्राफी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स इस सेशन को लाइव देख रहे हैं। अगर पॉसिबल हो तो प्लीज लाइक दिस सेशन, इस सेशन को लाइक कर दो, एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। ठीक है, चलो लाइक दिस सेशन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। चलो आंसर आने तो लगे हैं। ओके ग्रेट, आस्था हैज गिवन मी द आंसर। चलो देखते हैं, फॉरेस्ट फ्रैगमेंट्स इन एन एग्रीकल्चरल लैंडस्केप कैन बी व्यूड एज आइलैंड्स ऑफ हैबिटेट इन एन ओशन ऑफ नॉन हैबिटेट। मैक आर्थर एंड विल्सन्स आइलैंड बायोजोग्राफी मॉडल कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट पैटर्न्स ऑफ स्पीशीज रिचनेस इन दीज फॉरेस्ट फ्रेगमेंट्स व्हिच आर रिप्रेजेंटेड इन द ग्राफ बिलो। यहाँ पर चार ग्राफ दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट्स द प्रिडिक्शन ऑफ द मॉडल। जो प्रिडिक्शन ऑफ मॉडल है वो आपको किस तरह से यहाँ पर लग रहा है विद इन अकॉर्डेंस विद द मैक आर्थर एंड विल्सन आइलैंड बायोजोग्राफी मॉडल। यहाँ पर फॉरेस्ट फ्रैगमेंट है, एग्रीकल्चरल लैंडस्केप है जिसको कि आप आइलैंड और ओशन ऑफ नॉन हैबिटेट से रिलेट कर सकते हो। तो पहले ये ग्राफ में आपको बताया जा रहा है कि स्पीशीज रिचनेस बढ़ती, अगर फ्रैगमेंट एरिया बढ़ता है, जितना बड़ा फ्रैगमेंट उतनी ज्यादा स्पीशीज रिचनेस। तो ये बात तो भैया बिल्कुल सही है कि जितना बड़ा स्पेस रहेगा उतने ज्यादा वहां पर इमिग्रेंट्स रहेंगे, बिल्कुल सही। यहाँ पर सेकेंड वाले ग्राफ में बोल रहे हैं स्पीशीज रिचनेस कम हो रही है फ्रैगमेंट एरिया से, तो भैया डिस्टेंस जैसे कम होता है वैसे ही वहां पर रिचनेस बढ़ती है और साइज जैसे बड़ा होता है वहां पर रिचनेस बढ़ती है। ये दो ही कंडीशन है। सी वाला ग्राफ बोल रहा है कि स्पीशीज रिचनेस इन फ्रैगमेंट डिस्टेंस टू द नियरेस्ट फ्रैगमेंट बढ़ती है, तो स्पीशीज डिस्टेंस टू द नियरेस्ट फ्रैगमेंट्स, अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो स्पीशीज वहां पर ज्यादा मिलने लगेगी क्या? बिल्कुल हो ही नहीं सकता। डिस्टेंस बढ़ने लगेगी तो स्पीशीज रिचनेस कम होने लगेगी, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पर आपका बी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। आई होप ये बात सभी लोगों को क्लियर है। ठीक है, इसके बाद आर एन के सिलेक्टेड स्पीशीज। आर एन के सिलेक्टेड स्पीशीज के लिए हमने जो ग्राफ है वो देख लिए हैं कि किस तरह से आपका ग्राफ्स रहेंगे। ठीक है, ग्रोथ के अलग अलग ग्राफ कैसे रहेंगे। देन यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं आर स्पीशीज, आर सिलेक्टेड स्पीशीज, के सिलेक्टेड स्पीशीज के लिए आप इसे रेफर कर सकते हो।
यहाँ पर मुझे दयाना ने थर्ड ऑप्शन फिर से एक्सप्लेन करने के लिए बोला है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. दैट इज सी ओवर हियर व्हाट इट इज सेइंग दैट इफ द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग द स्पीशीज रिचनेस विल इंक्रीज. सो इज इट सो दैट द डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीशीज रिचनेस? नो, वी से दैट इफ दिस इज द मेन लैंड एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द साइज, सो वेर एवर द साइज इज बिग देन द स्पीशीज रिचनेस विल बी मोर. दिस इज वन कंडीशन. सेकेंड कंडीशन सेज that if this is the mainland and if the two areas they are of equal size, the species richness will be more in the area that is quite close as compared to the area that is quite away. So this is what the sea graph tells, that if the distance increases, the species richness increases. No. And the fourth option tells that if the distance is more, the species if the distance is more, the species richness declines. So yes, distance is inversely proportional and size is directly proportional to the species richness. I hope it's clear to Diana. So R and K selected species over here. यहाँ पर आप देख पा रहे हो R और K selected species के लिए. कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आर सिलेक्टेड स्पीशीज छोटी होती है, के सिलेक्टेड स्पीशीज बड़ी होती है. आर सिलेक्टेड स्पीशीज का साइज छोटा है होता है, के सिलेक्टेड स्पीशीज का साइज बड़ा होता है. आर सिलेक्टेड स्पीशीज में पेरेंटल केयर कम होती है, के सिलेक्टेड स्पीशीज में पेरेंटल केयर ज्यादा देखी जाती है. ठीक है, क्योंकि वो कम बच्चे पैदा करते हैं तो जितने बच्चे पैदा करते हैं उन्हीं पर ज्यादा ध्यान देते हैं. ठीक है, एनर्जी लेवल ऑफ स्प्रिंग का जब वो पैदा होते हैं तो किसके फॉर्म में होते हैं? लार्वी होते हैं या एग के फॉर्म में होते हैं, तो उनका जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत ही कम होता है. पर के सिलेक्टेड स्पीशीज खुद बहुत बड़ी होती है तो उनकी जो ऑर्गेनिज्म है, ऑफस्प्रिंग है, उनका एनर्जी लेवल हाई होता है, वो खुद भी कुछ करने में केपेबल होती है. आर सिलेक्टेड जीवन में एक बार रिप्रोडक्शन करता है और पूरी अपनी एनर्जी उस रिप्रोडक्शन में लगा देता है, सेमिल पैरिटी शो करता है. के सिलेक्टेड स्पीशीज जीवन में कई बार रिप्रोडक्शन करता है अकॉर्डिंग टू द फेवरेबल एनवायरमेंट, तो वो इसीलिए एक बार में अपनी पूरी एनर्जी नहीं लगा देता, इसीलिए इसे क्या बोल देते हैं? इसे बोलते हैं इडियोपैरिटी. ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन आर सिलेक्टेड स्पीशीज में कम देखने मिलता है. अब यहाँ पर कोई ये नहीं बोल देगा कि मैम हनी बीज को देख लो, चींटियों को देख लो, वो एक एक्सेप्शन है. अदरवाइज आर सिलेक्टेड स्पीशीज जब आप कॉकरोच के बारे में बात करते हो, आप स्पाइडर के बारे में बात करते हो, तो उनमें कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है. के सिलेक्टेड स्पीशीज में सोशल ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा होता है. यहाँ पर आर सिलेक्टेड स्पीशीज कौन से टाइप का सर्वाइवरशिप कर्व एग्जिबिट कर रहे होते हैं? टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व एग्जिबिट कर रहे होते हैं और यहाँ पर के सिलेक्टेड स्पीशीज आपका टाइप 1 सर्वाइवरशिप एग्जिबिट कर रहे होते हैं. सर्वाइवरशिप कर्व में अगर हम टाइप 1 का कर्व देखे तो ऐसा होता है, टाइप 2 का देखे तो ऐसा होता है, टाइप 3 का ऐसा होता है. तो ये आपका 1, 2 और 3, जो सबसे नीचे वाला है वो 3, कि जितनी मैक्सिमम डेथ होगी वो उसके अर्ली लाइफ में उसकी मैक्सिमम डेथ हो जाएगी. और जो के सिलेक्टेड स्पीशीज है उसको इतनी पेरेंटल केयर मिलेगी कि वो अर्ली एज में इतनी इजीली नहीं मरेगा, बाद में बिकॉज ऑफ एजिंग, बिकॉज ऑफ डिजीजेस उसकी डेथ होने लगेगी. जो टाइप 2 सर्वाइवरशिप कर्व है उसमें क्या होता है कि पूरे जीवन में कभी भी डेथ हो सकती है, कोई ऐसा खास डिपेंड नहीं करेगा कि वो पहले ज्यादा मर रहा है या बाद में ज्यादा मर रहा है, इट विल बी लाइक कॉन्स्टेंट उनकी डेथ देखने मिलेगी. ठीक है, यहाँ पर आपका ग्राफ आप देख पा रहे हो. यहाँ पर मुझे तैयार तो मैम सैल्मन फिश एंड बैम्बू आर सिलेक्टेड स्पीशीज. यस, यहाँ पर टाइप 1 सिलेक्टेड स्पीशीज का आप एग्जांपल एलिफेंट, ह्यूमन, एनुअल प्लांट्स आपका टाइप 1 स्पीशीज हो जाएंगे. टाइप 2 स्पीशीज में बर्ड्स, रोडेंट्स, हाइड्रा, पेरिनियल प्लांट्स आपका यहाँ पर टाइप 2 हो जाएगा. और टाइप 3 के लिए आपके ऑयस्टर्स, स्मॉल फिशेस एंड ट्रीज आपका टाइप 3 का एग्जाम्पल हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर जो फॉर्मूला है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का फॉर के सिलेक्टेड स्पीशीज, यू कैन सी यहाँ पर आप साइड में ग्राफ देख रहे हो कि यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी जो के सिलेक्टेड स्पीशीज है या जो लॉजिस्टिक ग्रोथ बता रही है वो कैरिंग कैपेसिटी के अराउंड उसका मैक्सिमम ग्रोथ रेट पहुंचेगा, वो उसके अराउंड अपने आप को बैलेंस करके रखेगी. और यहीं से इंस्पायर होता हुआ एक क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है जो कि आपकी स्क्रीन पर है. आप यहाँ पर देख सकते हो कि टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व अब यहाँ पर पूछा गया है कि ये आर सिलेक्टेड होगी या के सिलेक्टेड होगी. ठीक है, और यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी के अराउंड किसका सर्वाइवल होता है वो पूछा गया है, और कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंचकर फिर डिक्लाइन होकर फिर इंक्रीज
इंक्रीज होना, फिर डिक्लाइन होना, फिर इंक्रीज होना, कौन करता है? ये तो जे सिलेक्टेड हो गया कि एकदम बढ़ गया फिर नीचे आ गया। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, आप यहाँ पर देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर चलती हूँ, आप इसे सॉल्व करना। अगर कोई डाउट जाता है तो आप मुझे पूछ सकते हो टेलीग्राम पर। ठीक है, इसके बाद आता है फूड चेन एंड टॉप बॉटम ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, कि बॉटम अप कहाँ पे दिखने मिल रहा है, टॉप डाउन कहाँ पे देखने मिल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो बॉटम अप कंट्रोल, एंड यहाँ पर आप बॉटम अप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपका जो फाइटोप्लैंक्टन है, जू प्लैंक्टन है, फॉरेस्ट फिश और प्रेडेटर जो है, ये ओवरऑल किस पे डिपेंड करेगा? फाइटोप्लैंक्टन पे डिपेंड करेगा, कि जो फाइटोप्लैंक्टन है उसका नंबर डिपेंड डिटरमाइन करेगा कि कितना जू प्लैंक्टन है, जू प्लैंक्टन की वजह से डिटरमाइन करेगा फॉरेस्ट फिश पर, या ऐसे फिश जो जू प्लैंक्टन को कंज्यूम करती है, और वो जो फिशेस रहेगी उससे प्रेडेटर की पॉपुलेशन डिटरमाइन होगी। मतलब ये बॉटम अप कंट्रोल है। अब टॉप डाउन कंट्रोल में क्या होगा कि कितने प्रेडेटर है, जैसे कि जब हम सी अर्चिन के बारे में बात कर रहे थे तो सी अर्चिन डिटरमाइन कर रहा था कि वहां पर, वैसे तो आपका सी ऑटर डिटरमाइन कर रहा था, तो वो टॉप डाउन हो गया कि केल्प फॉरेस्ट रहेगा नहीं रहेगा ये सी ऑटर के हाथ में है। और यहाँ पर बॉटम अप में क्या होता है कि केल्प फॉरेस्ट खुद डिटरमाइन कर रहा हो कि मेरे ऊपर वाले रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर ठीक है, आई होप ये बात सभी लोगों को क्लियर है कि यहाँ पर किस तरह से बॉटम अप एंड टॉप डाउन चलता है। और बॉटम अप जब बोलेंगे जब लोअर ट्रॉपिक लेवल वाला कंट्रोल कर रहा होगा, और टॉप डाउन जब बोलेंगे जब अपर ट्रॉपिक लेवल वाला इसे डिटरमाइन कर रहा होगा। कई बार यहाँ पर पुराने, बहुत पुराने क्वेश्चन पेपर्स में आपको ये देखने मिलेगा, मतलब विद इन 5 ईयर्स नहीं, उसके पुराने में आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं, आप इसे रेफर कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका, जून 2018 का क्वेश्चन है। यहाँ पे मुझे दयाना ने पूछा है टू एक्सप्लेन दिस, दयाना सी, दयाना एंड ममता, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस पर्टिकुलर थिंग वंस अगेन, दिस टाइम आई एम एक्सप्लेनिंग इन इंग्लिश। व्हाट आई एम सेइंग दैट इफ द ट्रॉपिक लेवल्स व्हिच आर अ लोअर ट्रॉपिक लेवल्स, इफ दे डिटरमाइन दैट हाउ द होल इकोसिस्टम इज गोइंग टू वर्क, इफ द बॉटम और द लोअर ट्रॉपिक लेवल आर डिटरमाइनिंग दैट हाउ द अपर ट्रॉपिक लेवल वुड बी, देन इट इज बॉटम अप कंट्रोल। इफ द टॉप ट्रॉपिक लेवल्स और द अपर ट्रॉपिक लेवल्स दे आर डिटरमाइनिंग हाउ द लोअर ट्रॉपिक लेवल्स वुड बी, देन इट कम्स अंडर टॉप डाउन कंट्रोल। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टॉप डाउन एंड बॉटम अप। सिंपली इफ द लोअर वंस आर रिस्पॉन्सिबल बॉटम अप, इफ द अपर वंस आर रिस्पॉन्सिबल इट इज द टॉप डाउन ट्रॉपिक लेवल। ओके ममता, ओके दयाना, यहाँ पर और भी क्वेश्चन आप इसे रेफर कर सकते हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, ये अपने आप में ही इसके टाइप का क्वेश्चन था, पर यहाँ पर उसके बाद कोई क्वेश्चन जहां तक मुझे याद है नहीं देखने मिला है। तो आप इस पर्टिकुलर चीज को बहुत अच्छे से देख लेना, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर CSIR। कि यहाँ पर पूछा गया है कि चेन लेंथ, कनेक्टेडनेस और पोटेंशियल लिंक और लिंकेज डेंसिटी के यहाँ पर फॉर्मूलाज पूछे गए हैं। ठीक है, सो दिस आल्सो आई हैव एक्सप्लेन मेनी अ टाइम्स इन माय सेशन कि यहाँ पर कितना क्या होगा, और इसके लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए स्लाइड्स लगाई हुई है। पोटेंशियल लिंक इन अ फूड वेब आप कैसे डिटरमाइन करोगे, स्पीशीज रिचनेस देन ब्रैकेट देन स्पीशीज रिचनेस -1, तो ये आपकी पोटेंशियल लिंक का यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपको इस तरह का कोई फॉर्मूला पोटेंशियल लिंक के लिए जो दिया गया है वो ऐसा है क्या? यहाँ पर एक्चुअल नंबर ऑफ लिंक्स लिख दिया है डिनोमिनेटर में, तो ये तो गलत हो जाएगा भैया। देन उसके बाद आपकी लिंकेज डेंसिटी, एक्चुअल नंबर ऑफ लिंक्स इन अ फूड वेब अपॉन नंबर ऑफ स्पीशीज इन अ फूड वेब, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको लिंकेज डेंसिटी पे पूछा गया है एक्चुअल नंबर ऑफ लिंक्स अपॉन नंबर ऑफ स्पीशीज इन द फूड वेब, तो ये भैया सही हो जाता है। देन कनेक्टेडनेस के ऊपर यहाँ पर पूछा गया है, तो एक्चुअल नंबर ऑफ लिंक्स इन द फूड वेब डिवाइडेड बाय पोटेंशियल लिंक्स इन द फूड वेब, तो कनेक्टेड में पूछा गया है एक्चुअल नंबर ऑफ लिंक्स डिवाइडेड बाय पोटेंशियल कर दिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये कनेक्टेडनेस ये भी सही हो जाता है। चेन लेंथ कैसे डिटरमाइन करेंगे, एवरेज नंबर ऑफ लिंक्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक लेवल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल
लेवल एवरेज नंबर ऑफ लिंक्स बिटवीन द ट्रॉपिक लेवल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल, तो ये भी सही हो जाता है. ठीक है, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ही पूछा था. तो यहाँ पर पोटेंशियल लिंक का जो फॉर्मूला है वो गलत है, और पोटेंशियल लिंक का जो सही फॉर्मूला है वो क्या है, उसमें जो डिनोमिनेटर में जो फैक्टर लिखा था वो नहीं आने वाला है. आई होप ये बातें यहाँ पर सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी जो मैंने आपको यहाँ पर अभी एक्सप्लेन करी है. ठीक है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अब अगले पे चलते हैं. यहाँ पर और भी क्वेश्चंस है, इसको आप रेफर कर लेना. यहाँ पर स्पीशीज डाइवर्सिटी अबंडेंस एंड एरिया के ऊपर चार कॉन्सेप्ट है कि आप का एरिया कितना है और वहां पर कितनी स्पीशीज है, इसके बेसिस पर स्पीशीज डाइवर्सिटी निकालते हैं. तो नंबर ऑफ स्पीशीज डिवाइडेड बाय एरिया. सेकेंड केस में नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है डायरेक्टली उसके ऊपर डिपेंड करता है, जिस एरिया में ज्यादा स्पीशीज उस एरिया में ज्यादा डाइवर्सिटी. देन उसके बाद यहाँ पर थर्ड जो है वो थर्ड आपको क्या बता रहा है कि आपकी जो स्पीशीज है उनके अंदर कितनी रिलेटेडनेस है, जैसे काउ और गोट दोनों मैमल्स को बिलोंग कर रही है, या पर हॉक एंड बफेलो एक बर्ड को बिलोंग कर रही है और एक मैमल को बिलोंग कर रही है, और नीम ट्री प्लांट को बिलोंग कर रही है, यहाँ पर ये भी मैमल हो गया रैट. तो यहाँ पर ऑब्वियसली जिसके अंदर कम रिलेटेडनेस है वो यहाँ पर ज्यादा डाइवर्स होता है. ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर आपकी इवननेस होना चाहिए. एक ऐसा है जहाँ पर हंड्रेड ऑफ स्पीशीज है पर हर टाइप की स्पीशीज एक या दो, एक या दो और कुछ बहुत ज्यादा है, तो ऐसा इकोसिस्टम तो थोड़े टाइम में क्रैश हो जाएगा, वहां पर स्पीशीज डाइवर्सिटी कम मिलेगी. पर जहां पर एक दूसरे से नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है, तो वो हमेशा एक दूसरे के साथ वहां पर कंपैटिबल रहकर उस इकोसिस्टम को ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज देते रहेंगे. तो यहाँ पर जहां पर डिफरेंस कम है स्पीशीज के नंबर में वो ज्यादा डाइवर्स रहेगी. ठीक है, यहाँ पर ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया था CSIR में. यहाँ पर जो जेड वैल्यू थी वहां से क्वेश्चन पूछा गया था. याद रखना कि स्पीशीज डाइवर्सिटी इज इक्वल टू CAZ. ठीक है, तो यहाँ पर एक जो कर्व्ड ग्राफ था उसको स्ट्रेट लाइन में चेंज करने के लिए इसकी लॉग वैल्यू ले ली जाती है, और यहाँ पर जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आपके दिखते हैं. प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर दिस फॉर एग्जाम. ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है विच यू कैन रेफर फॉर योर प्रैक्टिस. ठीक है, कंजर्वेशन मेथड्स पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. कंजर्वेशन अपने आप में एक बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. कंजर्वेशन के ऊपर यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको जस्ट गिव मी अ सेकंड, उसको यहाँ पर हम रेफर नहीं कर रहे हैं, पर डेफिनेटली यू कैन रेफर देम फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं. ये ओजोन डिप्लीशन के ऊपर एक छोटे से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, सो दिस इज रिक्वायर्ड. सो यहाँ पर आई एम गिविंग यू सम मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड देन आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, गो फॉर इट, गो फॉर इट. Try to give me answer for this question. I haven't got a single answer. क्या समझूं मैं इस बात को?
चलो, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड इट्स सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स हैव रिजल्टेड इन रिड्यूस्ड ओजोन डिप्लीशन। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था उसके अंदर जो अमेंडमेंट्स किए गए उससे ओजोन डिप्लीशन में डेफिनेटली एक डिक्लाइन देखने मिला। इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ओजोन डिप्लीशन ओवर साउथ पोल इज मच मोर सेवर ओवर द नॉर्थ पोल। ओजोन डिप्लीशन जो देखने मिलता है वो साउथ पोल में ज्यादा देखने मिलता है एज कम्पेयर टू नॉर्थ पोल। इन दिस रिगार्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और इस रिगार्ड में आपको यहाँ पर जो चार स्टेटमेंट्स है वो दिए हुए हैं और इसके बेसिस पे आपको सेलेक्ट करना है कि विच वन इज द राइट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। कि यहाँ पर ऐसा जो देखने मिलता है कि साउथ पोल में ज्यादा ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, नॉर्थ पोल में कम ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट। सो ये यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट कुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। टेल मी, यहाँ पर मुझे आंसर आने लगे हैं। यहाँ पर मुझे दयाना ने आंसर दिया है, दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। पर हम देख लेते हैं, अ पोलर वॉर्टेक्स इज फॉर्म्ड अराउंड द नॉर्थ पोल। स्ट्रेटोस्फियरिक टेम्परेचर ओवर साउथ पोल आर मच लोअर कंपेयर टू नॉर्थ पोल। जो स्ट्रेटोस्फियर है उसका जो टेम्परेचर डिक्लाइन हो जाता है, जो टेम्परेचर कम हो जाता है वो बहुत कम हो जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्थ पोल। क्यों? क्योंकि वहां का जो ओवरऑल जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है उस वजह से साउथ पोल का टेम्परेचर और कम हो जाता है, और वैसे भी थोड़ा सा जो टिल्टेड है वो थोड़ा सा अवे फ्रॉम सन है, तो साउथ पोल का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। इसीलिए भी वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर आपका जो ओजोन डिप्लीशन है वो ज्यादा देखने मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका बी या सी ऑप्शन हो सकता है। फिर हम सी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस आर हायर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ऐसा है क्या, सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा ओजोन डिप्लीशन इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर ज्यादा गैसेस जा रही है जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, और जो भी ओजोन डिक्लाइनिंग गैसेस है वो वहां पर ज्यादा जा रही है। गैसेस तो हर तरफ ज्यादा ही जाएगी, ऐसा थोड़ी है कि वो नॉर्थ पोल पे कम जाएगी और साउथ पोल में ज्यादा जाएगी, तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात हो गई। मोर एक्सटेंसिव फॉर्मेशन ऑफ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। अब वहां पर ऐसा क्लाउड बन जाते हैं जो कि और ज्यादा सनलाइट को ब्लॉक करते हैं, और वहां पे आपका ओजोन का जो फॉर्मेशन है वो बस ब्रेक डाउन ही होता रहता है, रिफॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर बी एंड डी दे आर द राइट स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये बात सभी लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गई होगी, ठीक है। यहाँ पर इससे रिलेटेड और भी थ्योरी दी हुई है, आप इसे रेफर कर सकते हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर इसी से थोड़ा सा एक ट्विस्टेड फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है, ट्राई टू रेफर दिस क्वेश्चन एज वेल। बहुत सारे क्वेश्चन लगा दिए हैं ताकि आप इन सारी चीजों को रेफर कर सके। बायोम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखे गए हैं कि कहाँ पर कितना प्रेसिपिटेशन है और कहाँ पर कितना टेम्परेचर है, सो एक बार इसे आप देख लेना, रेफर कर लेना। यहाँ पर आप देख पा रहे हो उससे रिलेटेड चीजें, इस तरह का एक जो विटैकर्स का जो ग्राफ है टू डिवाइड द होल अर्थ इन टू बायोम्स, वो भी आप रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन है विच यू कैन सी। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस एरिया, एंड देन आप देख पा रहे हो कि उसकी कितनी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। देन यहाँ पर आप सेकेंड में देख पा रहे हो एवरेज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसकी कितनी है, ठीक है। देन लास्ट में आप देख रहे हो परसेंटेज ऑफ अर्थ नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, की परसेंटेज ऑफ अर्थ का कितना प्राइमरी प्रोडक्शन है फॉर वेरियस डिफरेंट थिंग्स। यहाँ से CSIR में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, कोई भी हालत में आते ही आते हैं। यहाँ पे रितु ने बोला हेमिस्फीयर वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर जो मैं आपको विटैकर्स एक बार रितु फिर से बोल दो कि कौन सा क्वेश्चन हेमिस्फीयर वाला, मतलब कौन सा क्वेश्चन, मैं एक बार आपको पीछे ले जाऊंगी। तो विटैकर्स वर्ल्ड बायोम डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर यहाँ पर आपका 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सवानास आर बायोम्स वेयर ट्री एंड ग्रास वेजिटेशन को एग्जिस्ट ओवर लार्ज एरिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट एक्सप्लेन द अकरेंस ऑफ सवानास इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सवाना क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, उसके लिए यहाँ पर आपके लिए कुछ स्टेटमेंट थे। अदरवाइज जो विटैकर्स का जो मैं आपको एक ग्राफ बोल रही थी या जो मैं आपको बोल रही थी रिप्रेजेंटेशन है जो आप पढ़कर जाओ ओके फॉर CSIR। सो यहाँ पर मेरा फेस ब्लर हो गया है फुल्ली, क्या हो गया ये, कैसे हो गया ये, अब क्या कर सकते हैं इसके लिए। लेट मी डू समथिंग, जस्ट लेट मी चेक कि क्या हो गया है। एक बार ओके यस, यहाँ पर ये ब्लर्ड है, बिल्कुल ब्लर्ड है।
आई थिंक नाउ इट इज क्लियर, आई थिंक अब ये क्लियर यहाँ पर दिखेगा। ठीक है चलो, तो यहाँ पर आप इसे रेफर कर लेना कि जहां पर टेम्परेचर भी बहुत कम है, एनुअल प्रेसिपिटेशन भी कम है, वहां पर सबसे पहले आप देख पा रहे हो टुंड्रा, देन उसके बाद आप देख पा रहे हो टेम्परेचर समवेयर अराउंड 0 रहेगा, प्रेसिपिटेशन थोड़ा बढ़ेगा, 200 तक जा सकता है टाइगा, देन उसके बाद टेम्परेचर कम से लेकर टेम्परेचर समवेयर अराउंड 15-18 रह सकता है, सो वो टेम्परेट ग्रासलैंड हो जाएंगे। कोल्ड डेजर्ट, जो कि अभी कोल्ड डेजर्ट आपने देखा तो वो एनुअल प्रेसिपिटेशन आपका वहां पर कम रहेगा, पर वहां पर वो पूरा डेजर्ट एरिया रहेगा। देन उसके बाद हॉट डेजर्ट, प्रेसिपिटेशन कम रहेगा पर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, रेनफॉल समवेयर अराउंड 100 मिलीमीटर रहेगा पर वहां पर आपका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। तो ये जो पर्टिकुलर चीज है इसे आप बहुत अच्छे से एक बार देख कर चले जाना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बायो जियो केमिकल साइकिल के ऊपर से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाते हैं पर पूछे गए हैं, तो एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 2019 का क्वेश्चन है, देन एक 2018 का क्वेश्चन है और एक आपका 2022 का क्वेश्चन है, तो मैं 2022 का जो क्वेश्चन है वो आपको करवा दूंगी और एक 2019 का जो क्वेश्चन है वो करवा दूंगी। ठीक है, जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन को रेफर करने की कोशिश सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, जल्दी से इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, देन वी विल सी वन मोर क्वेश्चन एंड देन वी विल एंड द सेशन। एज आई कैन सी कि सेशन बहुत लंबा हो गया है और यू माइट बी हैविंग सम अदर क्लासेस आल्सो साइड बाय साइड, सो वी विल एंड द सेशन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देन वी विल मूव अहेड। ओके चलो इस क्वेश्चन का आंसर देने लगो। चलो कोई आंसर नहीं आ रहा है, हम देख लेते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट बायो जियो केमिकल साइकिल्स इंटरैक्ट, यहाँ पर बताया गया है कि बायो जियो केमिकल साइकिल्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करती है। नाइट्रोजन फिक्सिंग वाइन्स वर ग्रोन इन प्लॉट्स अंडर नॉर्मल लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन फिक्सिंग कुछ प्लांट्स है उनको यहाँ पर ग्रो किया गया अंडर द नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो कि कंट्रोल था, एंड अंडर आर्टिफिशियल एलिवेटेड एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, और जहां पर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड था वहां पर उन्हें ग्रो किया गया जो कि एक्सपेरिमेंटल था। इफेक्ट ऑफ एलिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इतना एलिवेटेड है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन को किस तरह से अफेक्ट करता है ओवर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। यहाँ पर आपका सी ग्राफ में दिया, ए में दिया हुआ है, प्लॉट ए में दिया हुआ है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन एंड मॉलिब्डेनम इन द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स वर क्वांटिफाइड एट द एंड ऑफ द स्टडी। और एट द एंड ऑफ द स्टडी प्लांट्स के अंदर कितना आयरन का डिपोजिशन था और कितना मॉलिब्डेनम का डिपोजिशन था, ये कंट्रोल और एक्सपेरिमेंट दोनों में देखा गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर जो ऊपर एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पर ये जो ग्राफ है उसमें से ये कौन सी ऐसी चीज है यहाँ पर 5 पॉइंट्स में से जो कि इसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दिया है और सही आंसर भी आया है बावजूद क्रिटिकल क्वेश्चन होने के, सो आई एम वेरी मच हैप्पी। यहाँ पर प्राहा ने आंसर दिया है, यहाँ पर आस्था ने आंसर दिया है, यहाँ पर रितु ने आंसर दिया है, वेरी गुड। रितु ने यहाँ पर एक क्वेश्चन बोला है जो वो चाह रही है कि मैं एक्सप्लेन करूँ, तो इस क्वेश्चन के बाद मैं उसको इस क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन और फिर वो वाले क्वेश्चन पे ले चलूंगी। ठीक है, अब यहाँ पर पहले वाले प्लॉट में दिख रहा है एलिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड इफेक्ट ऑन नाइट्रोजन फिक्सेशन एज ऑफ बेस लाइन। यहाँ पर दिया हुआ है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हुआ है और यहाँ पर आपका ईयर्स बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कितना हुआ है और यहाँ पर बेस लाइन के कंपेरिजन में कितना कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आपको कंट्रोल में बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का की वजह से जो फिक्सेशन हो रहा है
आयरन का और मॉलिब्डेनम का कंट्रोल में, आयरन का भी डिपोजिशन ज्यादा है और मॉलिब्डेनम का भी डिपोजिशन एक्सपेरिमेंटल में आयरन और मॉलिब्डेनम दोनों का फिक्सेशन कम है। तो अब यहाँ पर जो भी प्राहा इज प्रभावती, ग्रेट ग्रेट प्रभावती। तो अब यहाँ पर कौन सा एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है? डिक्रीजिंग रेट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन कोरिलेट्स विद द डिक्रीज लेवल ऑफ आयरन एंड मॉलिब्डेनम टू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जैसे 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 कार्बन डाइऑक्साइड का नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बेस लाइन है उससे वो कम होते जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर डिक्रीजिंग द रेट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन को रिलेट्स विद द डिक्रीज लेवल ऑफ आयरन एंड मॉलिब्डेनम टू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। जब हम नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि आयरन एंड मॉलिब्डेनम दोनों ही रिक्वायर्ड होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो जहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन कम हो रही है वहां पर इन दोनों का डिपोजिशन भी लीव्स में कम हो रहा है, आयरन और मॉलिब्डेनम का। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट तो सही हो जाता है। इनिशियल एक्सपोजर टू द एलिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज द नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय दीज प्लांट्स। पहले जब कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा दिया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से मे भी थोड़ा सा एलिवेशन देखने मिला, बट देन उसके बाद डिक्लाइन था। देयर इज अ कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन ड्यू टू एलिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीटमेंट। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के एक पर्टिकुलर लेवल के बाद जो एक हल्का सा इंक्रीज भी देखने मिला है, तो इसीलिए यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है वो सिंपली आपका ऑप्शन सी, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप बाद में जाके एक हल्का सा यहाँ पर इंक्रीज देखने देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका एक्सप्लेनेशन है। देन उसके बाद एक ये वाला जो क्वेश्चन है ये कर लेते हैं, और उसके बाद एक ऋतु ने जो क्वेश्चन बोला है वो कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे वन टाइम कॉन्सेप्ट्स की स्लाइड्स हैं, मैं यहाँ पर इस पीटी को शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आप वहां से इन चीजों को रेफर कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है बायोफिक्स बाय फरीदा, ठीक है, आप इसे रेफर कर लेना। चलो इस क्वेश्चन का मुझे एक बार आंसर देने की कोशिश करो, देन आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ओके। वैसे सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक बेस्ड है, इतना क्रिटिकल नहीं है। ट्राई टू सॉल्व इट। The graph below depicts the trajectories A to D of some major drivers of global environmental changes 1 to 4. यहाँ पर कुछ global environmental changes 1 to 4 दिए हुए हैं कि land area, atmospheric carbon dioxide, human population and fertilizer use. तो ये proportional change in relative to ये जो सारी चीजें हैं ये किस तरह से चेंज हुई है ओवर द इयर्स वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको दिख पा रही है, क्या दिख पा रही है कि लैंड एरिया, क्या लैंड एरिया ओवरऑल चेंज हुआ है? बताओ क्या लैंड एरिया ओवरऑल चेंज हो सकता है? लैंड एरिया तो भैया कांस्टेंट ही रहेगा, वो तो जितना 1995 में था उतना ही अभी भी है लैंड एरिया, लैंड एरिया में कोई चेंज हो नहीं सकता। तो यहाँ पर जो डी वाला है वो आपका वन हो जाएगा। आपके डी वाले में वन आपको पहले वाले में दिख रहा है और दूसरे वाले में दिख रहा है ना, दोनों में दिख रहा है नहीं दिख रहा है? लैंड एरिया में कोई चेंज हो सकता है? जल्दी से बताओ, कैन देयर बी एनी चेंज इन द लैंड एरिया? नहीं, लैंड एरिया तो सेम रहेगा, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा ए या डी है। चलो फिर उसके बाद देखते हैं एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन एंड नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर यूज। भैया अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड 0.5 से 3.5 इतना बढ़ जाए तो क्या ये पॉसिबल है कि कार्बन डाइऑक्साइड का तो इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाए? कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हुआ है, पर कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे एक्सपोनेंशियल इंक्रीज नहीं हो गया है। हाँ, पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है इस ड्यूरेशन में 1955 से लेके 2015 में, तो
हुआ है, मेरी वजह से यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो छिप रहा है, तो मैं अपने आप को यहाँ पर हाइड कर रही हूँ, ठीक है। आई होप आप ठीक है यहाँ पर ऋतु। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जो है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर ए जो है वो फोर्थ हो जाएगा। बस अगर आप इतना भी निकाल लोगे तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हुआ है, पर इतना नहीं इंक्रीज हुआ है कि जिसने कोई बहुत ही चेंज कर दिया हो। और ह्यूमन पॉपुलेशन ऐसी भी नहीं थी 1955 से के 2000 में कि ऐसा वाला कोई स्टीप सा ग्राफ देखना। पॉपुलेशन बड़ी है पर इतनी नहीं बड़ी है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन वन इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। आई होप ये बात सभी लोगों को क्लियर है। यस प्रभावती, यस राइट आंसर। यहाँ पर मुझे अभी एक क्वेश्चन ऋतु ने बोला था, उस क्वेश्चन के लिए देख लेते हैं यहाँ पर कौन से क्वेश्चन के लिए ऋतु ने बोला है। लेट मी जस्ट चेक इट आउट। यार ऋतु, विच क्वेश्चन वर यू सेइंग, दिस कैन नॉट बी द वन। ऋतु, जो क्वेश्चन के बारे में आप मुझे बोल रहे हो एग्जैक्टली वो क्वेश्चन कौन सा है ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ। क्या इस क्वेश्चन के बारे में बोल रहे हो? ग्लोब वाले के बारे में बोल रही है? अच्छा ओके, लेट मी गो टू दैट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बारे में ऋतु आप बोल रहे थे, इस क्वेश्चन के बारे में आई होप बोल रहे थे। वर यू टेलिंग अबाउट दिस क्वेश्चन? जल्दी से बताओ मुझे। बताओ, चलो ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, एक बार इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। मैं विजिबल हूं ना? मैंने अपने आप को विजिबल मोड पे कर लिया है? नहीं, चलो चलो, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन, और अगर इन केस कोई डाउट रह जाता है तो फिर कोई दूसरा सेशन जब होगा तब आई विल टेक अप। पर मेरे पीछे यहाँ पर ये अगेन छिप रहा है, तो मैं अपने आप को छिपा लेती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन दिखना जरूरी है, मेरा दिखना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, है ना। हेलो, तो ये वाले क्वेश्चन को क्या कोई सॉल्व करने की कोशिश करेगा, या हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पर आ जाएं? चलो डायरेक्टली इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पर आ जाते हैं रादर देन गिविंग सम टाइम। तो यहाँ पर ओजोन कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमोसफेयर इज मेजर्ड इन डॉप्सन यूनिट। ओजोन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एटमोसफेयर में डॉप्सन यूनिट में देखा जाता है। ओजोन होल इज सेट टू हैव अकर्ड व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन इन द रीजन फॉल्स बिलो 220 DU। एक जगह पे ओजोन होल कब बोला जाता है? कोई ऐसा होल नहीं होता है, पतली हो जाती है, ठीक है। जो लेयर है ओजोन की वो पतली हो जाती है, तो उसे ओजोन होल बोलते हैं, क्योंकि वहां से भी जो ब्लॉक होना होता है यूवी लाइट का वो। ऋतु, ये वाला क्वेश्चन नहीं था? अब बेटा मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, यही वाला क्वेश्चन था या कौन सा था? मेरे साथ एक बार वो क्वेश्चन शेयर करते ना कल के सेशन में, एंड ऑफ द सेशन में कल वो ले लूंगी क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर 220 डॉप्सन यूनिट है। द डायग्राम ऑफ द ग्लोब बिलो शोज द लोकेशन ऑफ थ्री स्टडी साइट। यहाँ पर जो डायग्राम है वो आपको तीन स्टडी साइट बता रहा है। द टेबल बिलो इट शोज वैल्यूज ऑफ ओजोन कॉन्सेंट्रेशन रिकॉर्डेड एट द साइट ऑफ टू डेट्स इन 2009। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि ओजोन डिप्लीशन या ओजोन का जो वैल्यू, ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो कहाँ पर कितनी कम हो रही है, 30 मार्च पे और 30 सेप्टेम्बर पे। तो मार्च मतलब हम इधर स्प्रिंग का टाइम मान रहे हैं, टुवर्ड समर मान रहे हैं, उधर सेप्टेम्बर 30 मतलब थोड़ा थोड़ा विंटर मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी जगह पर क्या होगा? तो यहाँ पर आपको पहले में बोला जा रहा है कि 270 हो रहा है, दूसरे में बोला जा रहा है 290 हो रहा है। तो यहाँ पर आपका जो नॉर्थ पोल है वो यहाँ पर ए से बताया जा रहा है, और साउथ पोल यहाँ पर आपको किससे बताया जा रहा है? सी से बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सी यूनिट कौन सा इसके लिए सही होगा। अब ये बात तो है ही कि जो आपका इक्वेटर है, इक्वेटर पे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने मिलेगा। जब आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पर 20 का डिफरेंस है, जब आप यहाँ पर देख रहे हो तो आपको 160 का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पर आपको कितने का डिफरेंस दिख रहा है? 30 का डिफरेंस दिख रहा है, और यहाँ पर आपको कितने का डिफरेंस दिख रहा है? इस प्लेस पे आपको कितने का डिफरेंस दिख रहा है? 140 का डिफरेंस दिख रहा है। तो सबसे कम डिफरेंस आपको
कहाँ पे दिख रहा है? पहले वाले में दिख रहा है, मतलब इक्वेटर पे सबसे कम डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ पर हो ना हो कि आपका जो बी वाला है ये आपका ये वाली वैल्यू के को रिलेट कर रहा होगा, है ना। देन उसके बाद आपको सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ पर दिख रहा है? आपको 160 सबसे ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। देन उसके बाद आपको दूसरा डिफरेंस कहाँ पर दिख रहा है? 140 पर डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है क्या? कुछ जल्दी से बताओ, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? ओह नहीं, मैंने कोई ऐसा कैलकुलेटर कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पर नहीं की है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, अगले में आपको आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपका ये जो 30 वाला है, इसे तो आप किसी में भी कंसिडर नहीं करोगे, क्योंकि अगर आपने 20 वाला ले लिया है, अब आपको देखना है कि ये जो सी है, जो कि आपका साउथ पोल है, जहां पर ज्यादा ओजोन डिप्लीशन होता है एज कंपेयर्ड टू नॉर्थ पोल, तो सबसे ज्यादा वैल्यू आपको कहाँ पे देखने मिल रही है? सबसे ज्यादा आपको वैल्यू डिक्लाइन देखने मिल रही है यहाँ पर। तो ये आपका जो सेकेंड हो जाएगा, ये आपका किसके लिए हो जाएगा? सबसे ज्यादा जो डिक्लाइन देखने मिलता है वो आपको साउथ पोल पे देखने मिलता है, राइट। तो सबसे ज्यादा सी के लिए हमारा क्या होना चाहिए? सी के लिए हमारा फोर्थ होना चाहिए, और ए के लिए हमारा वन, सी के लिए हमारा टू होना चाहिए बेसिकली। सी के लिए हमारा टू होना चाहिए और ए के लिए हमारा क्या होना चाहिए? फोर्थ होना चाहिए, क्योंकि वहां पर कम डिक्लाइन देखने मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका 160 है, यहाँ पर हमारा 140 है, तो यहाँ पर हमारा जिसमें सबसे ज्यादा डिक्लाइन देखने मिलेगा, तो सी पर हमारा टू होना चाहिए और ए पर हमारा एज सच फोर्थ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ए जो हमारा है वो नॉर्थ पोल है और जो हमारा सी है वो साउथ पोल है, ठीक है। ये है यहाँ पर इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ वन टाइम आस्क्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, शायद मैं यहाँ पर हिडन हूँ बिहाइंड, तो यहाँ पर मैं अगेन आ जाती हूँ। और मैम ओके ओके दयाना, अब यहाँ पर मैं ये जो पूरी पीपीटी है आप लोगों के साथ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं इस पूरी पीपीटी में, बहुत हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। यहाँ पर बहुत सारे वन टाइम आज कॉन्सेप्ट्स एंड एवरीथिंग इज देयर। सो कोशिश करना कि आप इस पूरी चीज को एक बार देख लो अच्छे से, एक बार रिवाइज कर लो। दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू इन द एग्जाम, ठीक है। अब हम कल सेल बायोलॉजी का यहाँ पर रिवीजन करेंगे, ठीक है। सो सेल बायोलॉजी के रिवीजन में आज के जो कुछ क्वेश्चन, दो क्वेश्चन थे, अगर होगा पॉसिबल तो उन क्वेश्चंस को लेकर आऊंगी। अदरवाइज कल मैं आप लोगों को प्रोटीन ट्रांसपोर्ट क्विकली समझाऊंगी और साइटोस्केलेटन क्विकली एक्सप्लेन करूंगी, और फ्यूजन एक्सपेरिमेंट जो है वो भी एक्सप्लेन करूंगी। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर सेल बायोलॉजी रिविजन टूमोरो, ठीक है। आई होप कल टाइमिंग अगेन वही रहेगा, 10 बजे का टाइमिंग रहेगा दयाना, ठीक है। 10 o'clock वी विल स्टार्ट द सेशन। आई होप ये सेशन सभी लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। इसी के साथ सेशन यहीं पे एंड करते हैं और अब मिलते हैं कल सेल बायोलॉजी के रिविजन सेशन में, ठीक है। दिस इज इट फॉर नाउ, थैंक यू।